सो टूडेज चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू टेग्नोमेट्री दिस इज चैप्टर एट ऑफ क्लास टेंथ एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम कुछ चीज सीखेंगे क्या सीखेंगे आपने इस शेप को तो जानते हो गए ए बी सी वट इज दिस अ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है मीन्स इसकी थ्री साइड्स हैं और क्या है इसके थ्री एंगल्स हैं और ये पर्टिकुलर शेप को यदि आप ध्यान से देखें तो एंगल बी जो ये शेप है ये क्या बताती है दिस एंगल इज 90 डिग्री दैट मीन्स ए बी सी इज अ ट्राइंगल जिसकी तीन साइड्स तीन एंगल एक एंगल 90 डिग्री है तो इस टाइप के ट्राइंगल क्या बोलते हैं अ राइट एंगल ट्राइंगल और ये टिग्नोमेट्री जो होती है पूरी की पूरी जिसमें हम बोले इंट्रोडक्शन टू तो टिग्नोमेट्री इट इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल ओनली जिसकी तीन साइड्स उसके तीनों एंगल्स के बारे में एक दूसरे से क्या रिलेशंस हैं क्या रेशोज़ हैं उसी के बारे में बात करते हैं ठीक है तो ये बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है व्हेन यू लर्न अबाउट टिग्नोमेट्री दिमाग में जैसी वर्ड टिग्नोमेट्री मीन्स ट्राई मीन्स तीन चीज़ें तीन साइड्स तीन एंगल और उनके रिलेशन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और किस टाइप के ट्राइंगल के बारे में राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल नाइन्टी डिग्री का हो ओके सो लेट स्टार्ट तो क्या आप समझेंगे हम तो विल लर्न साइड्स साइड्स की खुद की एक दूसरे के साथ ratios करे, बात करेंगे एंड जो रेशो बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द एंगल जब भी हम साइड्स की रेशोज लेंगे राइट right? तो उनको क्योंकि ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं तो उनको बोल देते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशोज जब हमको रेशोज मालूम चल गई तो उनकी वैल्यूज कैसे कहते हैं पता लगाते हैं लाइट डिफरेंट एंगल्स के लिए उनकी क्या वैल्यू होंगे तो वी विल डिफ़ाइन द टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर डिफरेंट एंगल्स जीरो डिग्री नाइन्टी डिग्री थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री एंड सोवन एंड इसके बेसिस में ना हम कुछ फार्मूले भी बनाते हैं तो उनको बोलते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और फार्मूला तो कुछ फार्मूलेज हैं या आइडेंटिटीज़ हैं वो हम कैसे बनाएंगे कैसे उनको डिफ़ाइन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे सो so दैट जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे या नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे तो यू विल यूज़ ऑल दोज फार्मूलाज और आइडेंटिटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स तो इस पर्टर इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम बेसिक मतलब बेस बनाएंगे टिक्नोमेट्री का ठीक है ओके नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स और होते भी कि नहीं होते हैं बहुत सारे होते हैं डेली बेसिस पे आप देखते हो जब आप चल रहे होते हो या कहीं खड़े होते हो और थोड़ी दूर पर आपकी जैसे आप यहाँ खड़े हुए ये कौन है ये जो ब्लू डॉट है बेसिकली इट इज़ यू आप यहाँ खड़े हुए सामने एक बिल्डिंग है लाइक इस केस के अंदर इट इज़ अ कुतुब मीनार एंड यू आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस से डिस्टेंस कुछ दूरी पर हो तो आप क्या देख सकते हो जब इससे कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे हो तो आप यदि इसके टॉप को देखोगे तो आपकी आईज क्या है ये आपकी आई है ये जो दो लाइन दिख रही हैं ये वाली और ये वाली ये आपकी आई है ये आपकी हाइट है ये ग्राउंड है तो ये नीचे वाली लाइन क्या दिखा रही है डॉट 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 इट इज द ग्राउंड जहां पे आप खड़े हुए हो और ये आई से आपका एक एंगल बन रहा है बेसिकली एक बन रहा है राइट और ट्राइंगल किसका है ये देखो नाइनटी डिग्री तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल दैट मीनस वेन यू आर स्टैंडिंग फार अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग और अ मीनार राइट सो वट यू आर मेकिंग यू आर मेकिंग अ ट्राइंगल जहां पे एक डिस्टेंस होगा और जो भी बिल्डिंग होगी उसकी सर्टेन हाइट होगी जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ही ये एंगल ऊपर को आपका चला जाएगा ऐसा यदि कोई छोटी बिल्डिंग होती है तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है तो मे बी इट माइट बी लाइक समथिंग यहाँ पे मान लो फर्स्ट फ्लोर को देख रहे होते हैं कुतुब मीनार की पहली मंजिल को तो एक लाइन ऐसे बनती तो आपकी जो आई से जो एक एंगल बन रहा होता है ये वर्चुअल एंगल है मीन्स वो फिजिकली आपको दिख नहीं रहा है बट इफ इफ यी ड्रॉ तो समथिंग ऐसी नहीं होता है। ये आपकी आंस के आप ऐसे ही देख रहे होते और ये जो बॉटम लाइन है इट इज़ पैनल टू द हॉरिजॉन्टल दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ठीक है तो ये सराउंडिंग्स में ऐसा होता है ये daily, डेली राइट कुछ ऐसा भी होता है कि सपोज़ एक नदी है और नदी के एक साइड में एक बिल्डिंग है दूसरी साइड में एक मंदिर है वहाँ मंदिर के वहाँ पे कोई मान लीजिए सीढ़ी को आप देख रहे हो आप यहाँ खड़े हुए इसकी बालकोनी में इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की जो इस, इस साइड जो रिवर बैंक के इस साइड लेफ्ट साइड में यहाँ से आप इसको देख रहे हो तो देखो आप ऐसे देख रहे हो नीचे देख रहे हो राइट और ये रिवर की क्या वृथ है आप इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पे खड़े हुए हो देट मीन्स अगेन देर इज़ अ डिस्टेंस मीन्स इस केस में क्या नदी की वृथ और एक बिल्डिंग की हाइट और ये बिल्डिंग की हाइट और ये देखो नदी की वृथ क्या बना रहे हैं एक राइट एंगल ये एंगल देखो नाइन्टी डिग्री है तो अगेन वट यू आर मेकिंग यू आर मेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल और क्या होगा बहुत बार आप हो ऐसे बैलून्स यदि आप उदयपुर वगैरह गए हो राइट right? सो so, वहाँ पे एयर बैलून्स उड़ाते हैं तो यदि आप ग्राउंड में यदि खड़े हो और आप एक बैलून को देखोगे तो देखो फर्स्ट बैलून को देखोगे बैलून को ऐसे ये लाइन क्या है हॉरिजेंटल पैरेलल टू द ग्राउंड तो आपके आईज से बन रहा है एक्जैक्टली जो मैंने लेफ्ट में दिखाया वो आप खड़े हो तो आपकी आँख से आप पहले वाले को देखोगे तो आपको ऊपर थोड़ा आँख को ऊपर करके देखना होगा तो एक ट्रा ये बनेगा दिस इज अगेन राइट एंगल ट्राएंगल नाइन्टी डिग्री यहाँ पे जबकि ये बी जो बैलून दूर चला गया आप उसको इस फॉर्म में देखोगे राइट राइट एंगल ट्राइंगल अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में है क्या चीज दो चीजें देर इज डिस्टेंस जो ऑब्जर्वर है उस और जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है कि दोनों के बीच में एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस है और एक वर्टिकल हाइट है ठीक है तो टिग्नोमेट्री क्या करती है कि इन ऑल दीज सच टाइप ऑफ सिचुएशन जहां पर भी ऐसे ट्राइंगल बनने होते हैं द डिस्टेंस एंड हाइट कैन बी फाउंड कैन फाइंड दैट इसकी नदी की चौड़ाई कितनी, कितनी है ये बैलून कितनी हाइट पर उड़ रहा है राइट right? पता लगा सकते हो ये पता लगा सकते हो आप इस मीनार से कितनी दूर पर खड़े हो या ये नदी की चौड़ाई कितनी है डिस्टेंस एंड हाइट यू कैन फाइंड आउट बाई यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक मैथमेटिक्स की टेक्निक को और उसी टेक्निक को क्या बोलते हैं और ये जो सारी टेक्निक जिससे हम हाइट और ये डिस्टेंस पता लगाते हैं टिक्नोमेट्री एंड टिक्नोमेट्री बेसिकली इट इज़ अ ग्रीक वर्ड यदि आप इसको डिवाइड करो तो तीन पार्ट से बनाएं फर्स्ट पार्ट इज टी आर आई ट्राई ट्राई मीन्स थ्री जी ओ एन बेसिकली गॉन इस कॉल साइट्स तो थ्री साइट्स एंड मीट्री डैट इज कॉल मीटर ऑन उसका वर्ड मतलब होता है मेजर तो थ्री साइट्स को मेजर करने की जो मैथमेटिकल टेक्निक होती है और ये टेक्निक्स मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में होती है उसको बोलते हैं टेक्नोमैट्री क्लियर हो गया तो टेग्नोमैट्री इज अ ग्रीक वर्ड वेयर वी टॉक अबाउट थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल और उसकी उनको मेजर किया जाता है एंगल्स को भी और साइड्स को भी एंड दिस टेग्नोमेट्री दूसरे वर्ड में बोलू टेग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्योंकि हमने इनिशियली देखा था कि एक ट्राइंगल के अंदर तीन साइड होती हैं तीन एंगल होते हैं तो उनके ही रिलेशन्स को एक दूसरे में क्या रिलेशनशिप है क्या रेशोज़ हैं राइट उसी को हम टिग्नोमेट्री बोलते हैं और ये सबसे पहले ये टिग्नोमेट्री जो यूज़ हुई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ हुआ इजिप्टियन एंड बेबोल सो इजिप्ट के लोग और बेबीलोन के लोगों ने इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया और उन्होंने इस वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट किया यदि मैं टिग्नोमेट्री रेशोस की बात करूं तो पहले थोड़ा ट्राइंगल को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं राइट सो ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल तो ये यदि मैं एंगल ये तो आपको मालूम ही एंगल क्या है बी एंगल इज़ 90 डिग्री तो व्हाट अबाउट ए ए में हमने ये एंगल दिया हुआ है तो इसको मैं बोल सकता हूँ एंगल ए और इट इज़ एन एक्यूट एंगल और एक्यूट एंगल क्यों बोलते हैं हम विच इज़ लेस देन नाइन्टी डिग्री तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यदि एक एंगल 90 है तो बाकी एंगल कौन से हुए एंगल ए और एंगल सी ये दोनों क्या होंगे इन दोनों का सम 90 होगा दैट मीन्स बोथ ऑफ देम विल बी एक्यूट एंगल्स अभी हम किस एंगल की बात कर रहे हैं यदि एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ये हमने लाइन ड्रॉ की तो वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए तो हम बहुत बार एंगल ए इस टाइप से भी लिखते हैं वी इफ वी से एंगल अबाउट बी तो एंगल बी इज़ अ राइट एंगल मीन्स नाइन्टी डिग्री और यदि ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमको मालूम है ना पाइथोग्राफ स्थान में हम जानते थे ए सी क्या होगा इस कॉल्ड हाइपोटोन्यूस जो एंगल ए के सामने वाली साइड हुई उसको क्या बोलेंगे साइड ऑपोजिट टू तो एंगल है इस एंगल ए के ऑपोजिट है बिल्कुल देखो ऑपोजिट या इसको दूसरा नाम क्या होता है वी कॉल इट परपेंडिकुलर तो दिस इज़ अ परपेंडिकुलर दिस इज हाइपोटोन्यूस और ए के जो साइड इस एंगल के एंगल ए की यदि बात कर रहे हैं तो ये ए बी क्या हुई ये हुई द साइड एट टू एंगल ए ए के साथ वाली साइड तो ये एक साइड तो हाईपोर्ट होगी और ये दूसरी वाली साइड को क्या बोलते हैं बेस तो यदि आपको एक ट्राइंगल इस टाइप का दिया हो और यदि मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ नॉट आई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंगल सी हाँ बाई द वे ऊपर वाली की बात नहीं कर रहे हैं यदि हम इसकी बात कर रहे हैं बी एंगल 90 है तो 90 के ऑपोजिट तो पहली बात तो हाईपोर्ट होता है जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं उसके ऑपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर और उसके जो एडसेंट साइड होती है या उसको क्या बोलते हैं बेस अभी सेम चीज़ यदि मैं एंगल सी के बारे में बात करूँ तो वी कैन ड्रॉ दिस वे सो दिस इज़ एंगल सी एंगल बी के ऑपोजिट तो हाईपोर्ट हो गया एंगल सी के जो ऑपोजिट होगा तो साइड ऑपोजिट टू सी वो बोलेंगे और ऑपोजिट टू सी इस केस में एंगल यदि सी की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ ये हो गया और एडसेंट साइड टू सी क्या हो गया वो उसका बेस सो दिस इज अ बेस दिस इज़ परपेंडिकुलर दिस इज हाईपोट्यू तो हाइपोन्यूज में कोई चेंज नहीं हुआ बस जब हम एंगल सी की बात किए तो परपेंडिकुलर क्या होगा साइड ऑपोजिट टू दिस दैट इज ए बी इज़ अ साइड और हम बोले परपेंडिकुलर है बेस क्या हुआ इसका ये यदि आप इसको घुमा लो 90 डिग्री से इसको तो ये सी यहाँ नीचे आ जाएगा राइट right? आएगा कि नहीं आएगा जब ये साइड नीचे आएगा तो बेस तो अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या बोला था बेस जो कि पैरेलल टू द ग्राउंड हो तो इस केस के अंदर हमने इसको थोड़ा क्योंकि घुमा के रख दिया अब थोड़ी डेफिनेशन में चेंज हो गया हम बेस किसको बोल रहे हैं जो एंगल हाइपोटेन्यूज की जो अपोजिट अदर साइड हुई और जो कि एडजेसेंट टू द एंगल है एंगल विच एंगल विच एवर इज़ एंगल यदि ये सी है तो इस केस में सी उसको हम बेस बोलेंगे और उसके जो अपोजिट होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर यहाँ तक क्लियर वेरी गुड

इट्स इज इज कॉल बेस एंड जो एंगल 90 डिग्री का ऑपोजिट है दैट इज कॉल हाइप्रोनिस तो ये बेसिक चीज़ हम सीखे हैं अभी तक क्लियर ओके okay, यदि ये आपको क्लियर है तो मैं एंगल ए को ये जो एंगल ए है इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ एंगल सी ए बी इसमें बोलने में कोई हर्ज है नहीं ये भी बोला जा सकता है ओके okay? और जिसको अभी तक हम एंगल ए बोल रहे थे राइट बहुत बार हम इसकी एक वैल्यू भी देते हैं थीटा डिग्री का है एंगल ए थीटा डिग्री मीन्स इसको बार इस जो इस साइन होता है इसको बोलते हैं थीटा थीटा डिग्री ये जो जीरो है मीनस डिग्री मे बी थर्टी डिग्री ट्वेंटी डिग्री नाइन्टी डिग्री ऐसे बोलते हैं ना जैसे नाइन्टी डिग्री का एंगल है तो वही डिग्री है ये तो ये थीटा डिग्री मींस हमने एज्यूम किया एक्स वाई नहीं लेते हैं एंगल में हमेशा थीटा लेते हैं ओके okay? सो so, ये थीटा डिग्री मीन्स बता रहा है सपोज ये थर्टी डिग्री है तो दैट मीन्स इट्स अ वैल्यू तो इस एंगल की एंगल ए या एंगल सी ए बी सी ए बी ये जो लाइन ए सी और ए बी जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं दे आर मेकिंग एन एंगल एंड दैट एंगल इज़ कॉल एंगल ए या एंगल सी ए बी जिसकी वैल्यू है थीटा डिग्री मेज़र किया जी आपने प्रोटेक्टर से मेज़र करोगे तो मालूम चल जाएगा ये भी हो सकते हैं ओके तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ एक टिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है उसको बोलते हैं साइन एस आई एन साइन एंगल ए इसको हम पढ़ते कहते हैं साइन ऑफ़ एंगल ए ऐसे ही पढ़ते हैं मैं साइन ऑफ एंगल ए भी लिख सकता हूँ या मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपल साइन एंगल लिखने की जरूरत नहीं अंडरस्टूड है कि साइन ऑफ एंगल ए की बात कर रहे हैं हम ऐसे भी लिखा सकता है ठीक है या मैं इसको साइन थीटा भी लिख सकता हूँ साइन थीटा डिग्री में भी लिख सकता हूँ या बहुत बार हम ये डिग्री भी हटा देते हैं साइन थीटा लिख देते हैं खाली जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो एक डिग्री बार बार लगाने की जरूरत नहीं वो अंडरस्टूड है कि इस मीन्स साइन थीटा मीन्स थर्टी डिग्री है तो साइन थर्टी डिग्री डिग्री है वो अंडरस्टूड है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी स्पेसिफिकली डिफाइंड कि वो डिग्री नहीं है कोई और कोई वैल्यू है ठीक है तो हम ऐसे लिख सकते हैं तो पहला वर्ड हुआ टिग्नोमेट्रिक रेशियो एक का नाम होता है साइन ऑफ एंगल ए साइन ऑफ ये जो एंगल ए है या उसको साइन थीटा क्योंकि उसकी वैल्यू थीटा है तो ये पी कैन राइट साइन थीटा इसकी वैल्यू एक मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका मतलब होता है साइन थीटा इज इक्वल टू इज़ अ रेशो रेशो मीन्स दो चीज़ डिवाइड होगी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज तो साइन ऑफ एंगल ए मैं बोलूं या मैं बोलूं साइन थीटा यही मतलब है कोई भी एक बोलो साइन थीटा बोलूं या साइन एंगल्स ठीक है तो साइन थीटा आपको वैसे साइन थीटा वाला ज़्यादा याद रखोगे तो इट्स ऑलवेज बेटर क्योंकि बड़ी क्लासेज में आपको यही आएगा ए एंगल अब मान लो इस सी को मैं यहाँ लिख दूँ ए बी अल्फा बीटा तो इधर हो सकता है तो वैन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस दिस इज परपेंडिकुलर उसकी साइड जो है अपोजिट इज परपेंडिकुलर और डिवाइड बाई हाईप्रोट न्यूज मीन्स दिस साइड की बात कर करें तो दिस इज वट इज़ कॉल वन रेशो एंड इसको क्या नाम हो गया टिक्नोमेट्रिक रेशो पहली द फर्स्ट वन साइन ऑफ एंगल ए या साइन ऑफ एंगल थीटा क्योंकि ए की वैल्यू थीटा है इज इक्वल टू इज अ रेशो कॉल परपेंडिकुलर अपॉन बेस या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो है ना ऐसे परपेंडिकुलर बेसी फॉर्मूला तो यही याद रखोगे वैसे आप हाँ। या परपेंडिकुलर इस केस में क्या है देखो परपेंडिकुलर इज बी सी वी कैन राइट ये साइड है बी सी तो बी सी अपॉन ए सी इज दाइप्यूज ए सी है उसकी वैल्यू ठीक है ऐसे लिखा जाता है क्लियर इन द अनदर वन इज सेकेंड रेशियो इज कॉल्ड कॉस सी ओ एस कॉस ऑफ एंगल ए अब मैं बार बार वो चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा जो हमने पहले सीख लिया कि मीन्स इसका मतलब क्या होता है साइन ऑफ एंगल ए दिस इज़ कॉल्ड कॉस ऑफ एंगल ए और एंगल ए की वैल्यू थीटा है तो वी कैन राइज कॉस थीटा जब मैं कॉस थीटा वर्ड यूज़ करूँगा या तो कॉस ऑफ एंगल ए यूज़ करूँगा कॉस वर्ड यूज़ करूँगा उसका उसका मतलब क्या होता है किस चीज़ का रेशो बेस अपॉन हाईपुटनीस मीन्स मैं बेस को डिवाइड कर रहा हूँ हाईपुट से पहले केस में मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाईपुट किया दैट इज कॉल्ड साइन थीटा एंड वी वैन वी से बेस अपॉन हाइप्रोटन्यूज कॉल कॉस थीटा या कॉस ऑफ एंगल ए इस एंगल की बात कर रहे हैं अब यदि बेस देखोगे क्या होगा गया ए बी तो वी कैन राइट दिस रेशो शो ए बी अपॉन ए सी ए सी इज हाइप्रोटन्यूज ठीक है ओके okay. एंड एक और चीज़ होती है इन दोनों को यदि मैं डिवाइड कर दूं साइन ए अपॉन कॉस ए या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को देन द नेक्स्ट टाइम इज कॉल टिक्नोमेटरी इज कॉल टेन ए टेन ऑफ एंगल ए टी ए एन या बोल सकते हैं टेन थीटा और टेन थीटा क्या होगा हमने अभी बोला इन दोनों को एक दूसरे डिवाइड कर दो यदि मैं डिवाइड कर दूंगा तो आप क्या देखोगे वट यू विल गेट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज आप नोटिस नोट कट गए तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर पेंडिकुलर बेस मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर क्या है बी सी डिवाइड बाई एस दिस वी कैन राइट सो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बेस और उसकी यदि वैल्यू निकालोगे जो गिवन ट्राइंगल से वी कैन राइट इट बी सी अपॉन ए बी तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा साइन थीटा इज परपेंडिकुलर हाईपुट कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाईपुट एंड बचा टेन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये इसका हार्ट है इस चैप्टर का और आप बार बार याद करोगे तो आपको हमेशा के दिमाग में बैठ जाएगा क्योंकि ये ट्राइंगल आपके दिमाग में बैठ चुका होगा अभी तक ओके okay. यदि ये बैठ गया है तो मैंने हमने क्या कहा इन दोनों को डिवाइड तो देखो हम दोबारा रिवर्स करते हैं यदि BC और AB है तो मैं इसको यदि AC AC से डिवाइड करूँ वट इज़ AC? AC ए इज हाइपोट तो हमने क्या किया BC सी और पॉन ए को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे AC से कर सकते हैं और यदि इनको थोड़ा रीअरेंज करो यू विल गया BC के नीचे ये वाला AC लिख सकता हूँ और इधर में क्या लगता है मल्टीप्लाई कैन राइट AC सी और ए तो ये हमने क्या किया बस रीअरेंज कर दिया अब ध्यान से देखो बी सी अपॉन ए सी क्या है बी सी अपन ए सी इस पर पेंडिकुलर पार्ट ने दैट मीन्स साइन थीटा ये क्या है ए सी अपॉन ए बी यहाँ देखो ए बी अपॉन ए सी मीन्स इन्वर्स है ये मैं ए सी को नीचे लिया हूं तो इट इज बटम वट विकम cos थीटा दैट मीन्स मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ टेन थी कैन राइट साइन थीटा अपॉन theta क्योंकि बी सी अपॉन देश साइन थीटा और ए सी ओपन ए बी वन अपॉन ये ना cos theta का उल्टा ही है ए बी ओपन ए सी यहाँ क्या है ए सी ओपन ए बी तो आई कैन राइट साइन theta पॉन कॉस् थीटा दैट मीन्स मेरी जो टेन को हम क्या बोल रहे थे इन दोनों को डिवाइड करने का दैट मीन्स मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटॉप ऑन कॉस् थीटा तो आपको याद रखना है साइन थीटा इज परपेंडिकुलर theta इज बेस अपन हाइपोटेन्यूज tan टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बेस ऑल्सो टेन थीटा इज साइन theta ऑन क्रॉस थीटा दिस इज़ वन फॉर्मूला और आइडेंटिटी और इस केस के अंदर ये सारी क्या है साइड सी ये तो है परपेंडिकुलर हाई पुटनीज ऑफ दिस टाइंगल तो ये क्या है सब रेशोज़ और उन रेशोज़ के नाम दे दिए हमने तो इन्हीं को तो बोलते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ तो यही हमारी टिग्नोमेट्रिक रेशोज हुई समझ में आया ना ओके वेरी गुड इस चीज़ को टेन थीटा को यहाँ मैंने थीटा बोला यहाँ टेन ए बोला तो आई इफ इफ़ जब थीटा यूज़ कर रहे हैं तो साइन अपॉन कॉस थीटा होगा पर यदि मैं ए एंगल यूज़ करता टेन ए बोलता तो मैं उस केस में हमको क्या लिखना था साइन ए अपॉन कॉस ए उस केस में हमसे ले लिख सकते थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पर तो हम लेफ्ट साइड में एंगल की ए की बात कर रहे हैं और यहाँ हमने उसकी वैल्यू दे दी थीटा थीटा तो ये थोड़ा गलत हो गया यदि लेफ्ट में आप ए यूज़ कर रहे हो एंगल ए तो यहाँ पर भी एंगल ए यूज़ करना पड़ेगा क्लियर वेरी गुड अब जो है ना ये जो एस आई एन जो हमने वर्ड पढ़ा एस आई एन बेसिकली इसका ये शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ का साइन तो मैं बोल रहा हूँ ना साइन ऑफ एंगल जब सिन है लिखा था क्या एस आई एन मीन सिन राइट सिन नहीं है ये साइन है एस आई एन ई इसका शॉर्ट फॉर्म है एस आई एन सिन ऐसी कॉस सी ओ एस कॉस जो मैं पढ़ रहा हूँ एक्चुअली इट इज़ को साइन राइट और ये टी ए एंड टेन नहीं है आपने बहुत एक वर्ड पढ़ा होगा टेंजेंट टेंजेंट टू अ सर्कल राइट तो दिस इज टेन मीन्स इसका ये वाला आगे वर्ड शॉर्ट फॉर्म तो साइन मीन्स का तो साइन का हम बोलते साइन है पर लिखते सेन है कोसाइन में हम कोसाइन नहीं बोलते हम कॉस बोलते हैं टेंजेंट में हम टेन बोलते हैं टेंजेंट नहीं बोलते तो ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स लिए गए अब इंडिया में भी ना एक हमारे बहुत इंडियन एस्ट्रोमर्स थे उनका नाम था आर आई भट्टा या मैथमेटिशियन थे इन्होंने भी ये साइन कोसाइन और टेन का टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था और सबसे पहले एक जो अंग्रेज़ थे एडमंड गटनर, इन्होंने जो है ना साइन को सिन जो शॉर्ट फॉर्म में यूज़ लिखना शुरू किया वो इन्होंने स्टार्ट किया एंड इनके बाद एक और थे सर जो जोनास मूर जो जोनास मूर थे इन्होंने भी कोसाइन जो था उसका जो शॉर्ट फॉर्म कॉस इन्होंने बताया तो साइन का सेम घटना ने बताया और मूर ने जो है कोसाइन का को कॉस कर दिया और आज की डेट में हम जो पढ़ते हैं या आप जो पढ़ रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा दीज आर ऑल शॉर्ट फॉर्म्स वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने पहले कोसाइन लिखते थे साइन लिखते थे टेंजेंट लिखते थे लिखने बहुत लंबा टाइम लगता था अब धीरे धीरे वी दी यूज़ टू दीज शॉर्ट फॉर्म्स साइन थीटा कॉस्टिटा टेन थीटा गुड ओके अब एक और भी चीज़ होती है यदि मैं वन अपॉन साइन थीटा कर दूँ ये साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर पर मैं यदि वन अपऑन साइन थीटा मीन्स मैंने इसका इन्वर्स कर दिया तो मैं इन्वर्स कर दूंगा तो इसका एक नाम हो जाता है और उस, उसके नाम को इस रेशो का उल्टा हो जाएगा हाई पुटनीस ऑफन परपेंडिकुलर उसका एक नाम दे दिया दैट इज कॉल्ड कोसेक कोसेक वन अपॉन साइन थीटा ये तो कॉस कोसेक थीटा राइट ऐसे यदि मैं वन अपॉन कॉस सीटा कर दूं तो इसको कोसेक बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म है कोसिकेंट को सेंट ऐसे यदि मैं वन अपॉन कॉस कर दूं मतलब कॉस थीटा का इनवर्स डेफिनेशन में क्या होता है वन अपॉन कॉस सीटा क्या होता है ये कॉस थीटा होता है बेस अपन हाउपुटनीज और वन अपॉन कॉस्ट सीटा होता है हाईपुट अपॉन बेस पर इसका नाम वन अपॉन कॉस थीटा ना बोल के हम इसको क्या बोलते हैं सेक थीटा ठीक है तो दिस इज अनदर एक नाम हो गया सेक थीटा कोसेक थीटा यदि कोसैक थीटा आ गया तो इसका मतलब हो गया वन अपॉन साइन थीटा की बात कर रहे हैं और ये मैंने सेक थीटा की बात करूँगा वन अपॉन कॉस थीटा और ये सेक थीटा क्या है इसका ही शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है ये सेक sec, सिकेंड का शॉर्ट फॉर्म है तो सिकेंड का फॉर्म होता है सेक तो और कोसकेंड का फॉर्म होता है कोसेक तो याद रखना साइन का जो ऑपोजिट होता है वो कोसेक थीटा होता है और कॉस का वन अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा होता है इसको याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है साइन जो है ऐसे याद रखो एस आई एन साइन एस से स्टार्ट होता है तो ये देखो ये साइन थीटा है कॉस थीटा है सी से स्टार्ट होता है बट इसका ऑपोजिट जो होता है वो सी से स्टार्ट होगा एग्जैक्टली सेम सेमें जैसे कॉस का जो ऑपोजिट होगा वो सेक थीटा होगा कोसेक थीटा नहीं होगा सेक होगा मीन्स वो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं होने वाले हैं तो ये याद रखने का एक तरीका आप याद रखना वन पॉइंट कॉस थीटा का सेक थीटा होगा कॉ सेक्क थीटा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है और ये भी सी से स्टार्ट होता तो है ऐसा नहीं होगा तो एस से स्टार्ट होगा एन एग्जैक्टली सेम वे में वन पॉइंट टेन थीटा यदि मैं लिखूँ तो उसको बोलते हैं कॉट थीटा और इसका यदि फुल फॉर्म देखोगे ये किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है कॉट तो इट इज़ को टेंजेंट तो टें टेंथ और तो टेंजेंट का था और कॉट मीन्स को टेंजेंट मीन सी ओ टी स्टार्टिंग यहाँ से ले लिया तो टेन का ऑपोजिट कॉट यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको हमेशा कन्फ्यूज़न होगा वन अपॉन कॉस को मैं कोसैक बोलूँ या सेक बोलूँ याद रखने के लिए क्या बताया मैंने कि उनके फर्स्ट अल्फाबेट जो होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं सेम नहीं होते हैं इसलिए आप कभी गलती नहीं करोगे तो आपने टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो होती हैं आपने सारी टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ समझ ली इस पर्टिकुलर स्लाइड में क्या समझिए साइन थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज फॉर थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टें थीटा इज परपेंडिकुलर फॉर बेस इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज कॉल थीटा इनवर्स ऑफ थीटा इज कॉल सेक थीटा इनवर्स ऑफ टें थीटा इज कॉल कॉट थीटा टेन थीटा इज ऑल्सो नोन एज साइन थीटा अपॉन थीटा तो ये सेवन जो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज हैं ये आपने सीख ली और यदि आपने ये बेसिक चीज सीख ली तो आप मैथ टिकनोमेट्री करीब करीब नाइन्टी परसेंट तो सीखी गए ठीक है और यदि आप ये सीख गए सो लेट्स मूव एड सो व्हाट हैपन टू टी आर्स टी आर मीन्स टिक्नोमेट्रिक रेशोज वट हैपन टू टिक्नोमेट्रिक रेशोज वैन एंगल रिमेन्स सेम बट साइड्स डायमेंशंस चेंजेस तो हम सातों में से किसी एक टेगनोमेटर रेशियो को ले लेते हैं और वैसे भी सातों में से तीन ही हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बाकी तो उसके इनवर्स है या रेशो है एक दूसरे के राइट right? तो हम यदि साइन थीटा की बात करते हैं सो so, उसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकलोर हाइपोटनिकस और यदि ए बी सी इज अ ट्राइंगल जिसमें एंगल बी इज नाइन्टी डिग्री एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए यदि हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे द साइन ऑफ एंगल ए और वो क्या होगा परपेंडिकुलर ओपन हाइपर्टन्यूज क्यों हम साइन ऑफ एंगल ए बोल रहे हैं इस केस के अंदर क्योंकि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं जब हम एंगल ए की बात करेंगे तो उसका परपेंडिकुलर अलग होगा जैसे इस केस के अंदर ये ए बी सी ट्राइंगल में बात करें तो हाइपर्टन्यूज हमारा ये होगा जो नाइन्टी डिग्री ऑपोजिट है परपेंडिकुलर हमारा ये साइड होगी दैट मीन्स सी बी साइड होगी और बेस होगा एडसेंट टू द एंगल ए बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए यदि हम C की बात कर रहे होते तो हाईपुटनीज यही रहता बस C के ऑपोजिट ये जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाता और जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाता सो फॉर 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 ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी हम एंगल A की बात कर रहे हैं और हम एक रेशियो को लेकर चलते हैं साइन थीटा विच इज़ साइन ऑफ एंगल A तो यदि मैं साइन ऑफ एंगल ए की बात करूंगा तो साइन ऑफ एंगल ए में ऐसे लिखूंगा तो क्या लिखेंगे क्या रेशियोज होंगे कौन कौन सी साइड की परपेंडिकुलर अपॉन हाईप्रोटनी क्या मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर मज़ बी सी अपॉन ए सी ये लिखा जा सकता है या सी बी बोलूँ सी बी बोलूँ या बी सी बोलूँ कोई एक मतलब कुछ भी एक मतलब हो सकता है सेम ही चीज़ है तो साइन ऑफ ए, एंगल ए इजिकल टू सी बी अपॉन ए सी ये रेशो हो गई ठीक है अब हम क्या करना है हमको ये देखना है कि जब मेरा एंगल ट्राइंगल बड़ा होता है या छोटा होता है साइड्स की डायमेंशन चेंज होती है तो होता क्या है तो एक पॉइंट यहाँ लिया बी किस पे हाईपोटनीस पे सिमिलरली इस लाइन को एक्सटेंड किया एक पॉइंट लिया क्यू तो हाई पॉइंट मीन इसको थोड़ा एक्सटेंड किया अब पॉइंट पी से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की ऑन ए बी बेस के ऊपर विच इज मेकिंग नाइन्टी डिग्री परपेंडिकुलर मीन्स नाइन्टी डिग्री एग्जैक्टली क्यू से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी एंड नाइन्टी डिग्री उसने एंगल बनाया एट अ पॉइंट एन सो वी हैव वट दो ट्राइंगल तीन ट्राइंगल हो गए ए बी सी हमारा ओरिजिनल था एक ये छोटा ट्राइंगल हुआ एक उससे बड़ा हुआ दो हो गया और एक ओरिजिनल था ही सो क्वेश्चन इज कि हाउ विल द टिक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द स्मॉलर वन में दैट मीन्स ट्राइंगल पी ए एम सेम जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल था दिस वन सी ए बी और डू इट डिफर फ्रॉम द साइन ऑफ एंगल ए इन ट्राइंगल द बिगेस्ट वन ये वाले में तो तीनों ट्राइंगल के अंदर यदि मैं साइन ऑफ एंगल ए लूँ, जैसे हमने सी ए बी सी में लिया था क्या वो सब सेम होते हैं या डिफर होते हैं यही क्वेश्चन था हमारा और यही हमें समझना है सो लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट इन दिस वे कि इज विद दिस क्वेश्चन इज ट्राइंगल पी ए एम कौन सा पी ए एम ये छोटा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी सी ए बी मीन्स ए बी सी जो हमारा ट्राइंगल है ओरिजिनल ट्राइंगल क्या इस ट्राइंगल के ये सिमिलर है छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के क्या ये सिमिलर है यदि आप ध्यान से देखोगे यू विल से कि यस बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम स्मॉल ट्राइंगल मीन्स पी ए एम एंड सी ए बी बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ये साइन किसका होता है सिमिलर ये प्रीवियस चैप्टर में मैं पढ़ा था सिमिलरिटी क्यों बोल रहे हैं हम सिमलर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या थी या तो एंगल एंगल एंगल, एंगल या साइड 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 अब ये देखो इस पिंक वाले में ये 90 डिग्री है और सी ए बी मीन्स ग्रीन वाले ट्राइंगल ये 90 डिग्री है और एंगल ए इसमें भी कॉमन है और ग्रीन वाले के लिए भी कॉमन है दैट मीन्स दो एंगल यदि कॉमन हो गए तो बाई ए, ए ए रूल तीसरा तो अपने आप ही सेम होगा सो so, बाई ए ए, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया या उसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ट्राइंगल स्मॉल ट्राइंगल इज सिमिलर टू बिगर ट्राइंगल और यदि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उसका मतलब क्या होता है उनकी साइड्स की रेशियो क्या होगी सेम होगी दैट मीन्स बाय दिस प्रॉपर्टी और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स द करोस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन राइट ए एम अपॉन ए बी तो ये देखो इस ट्राइंगल में और ग्रीन वाले में ये बेस है ये इसका भी बेस है ए एम अपॉन ए एम अपॉन ए बी लिख सकता हूँ दूसरा लिख सकता हूँ ए पी छोटे का ही और बड़े का क्या होगा ए सी इज़ इक्वल टू दिस और बची थर्ड साइड क्या बची ये बड़ी साइड और ये छोटी साइड पी एम अपॉन सी बी वी कैन राइट लिख सकते हैं यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न दोबारा सुनो कि छोटा वाला ट्राइंगल हमने बोला बड़े वाले ट्राइंगल के क्या सिमिलर है हमने कहा हाँ सिमिलर है क्योंकि दो एंगल नाइन्टी डिग्री है एक एंगल कॉमन है ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल होगा दैट मीन्स छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के क्या साथ क्या है सिमिलर है दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो क्या होती है सेम होती है तो हमने ये निकाल ली एंड इफ दिस इज सेम अब इसको ध्यान से देखो यदि मैं इन दोनों पार्ट को साइड वाले को ले लूँ और इनको रीअरेंज कर दूँ राइट सी बी को भी ऊपर ले जाऊँ इसको नीचे ले आऊँ यदि मैं ऐसा कुछ करूँ तो वट यू विल फाइंड यू विल फाइंड सी बी अपॉन ए सी कैन बी रिटर्न एज पी एम अपॉन पी एम वहीं लेने दिया और ए पी नीचे लिया है वे में वी कैन राइट इसको हमने जस्ट क्या किया रीअरेंज कर दिया जब ये रीअरेंज करने से आपने ध्यान से देखोगे तो हमने पहले A CB AC. क्या निकाला साइन ऑफ ए इक्वल टू सी बी ओपन ए सी इज इक्वल टू क्या होगा पी एम ओपन ए पी तो वी कैन राइट साइन ए इज ईगल टू सी बी ए सी और वी कैन राइट इज इगल टू साइन है यहाँ लिखूँ या वहाँ लिखूँ लेट्स राइट इट हेयर ऑल्सो पी एम ए पी पर ये मेरा साइन है तो ये पी क्या है देखो पी छोटे वाले ट्राइंगल में ये पी है और ए पी क्या है बेस दैट मीन्स वैन एवर इन स्मॉल ट्राइंगल आल्सो व्हेन वी आर टॉकिंग तो हाईपोटन्यूज तो इसका यही रहा छोटा हाईपोट हो गया तो परपेंडिकुलर क्या रेशो छोटी हो गई और बेस यही हो गया दैट मीन्स स्टिल यदि मैं परपेंडिकुलर अपन रेश हाईपोटन्यूज़ की बात करूँ तो इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोटन्यूज़ पर हाईपोड क्या है ए पी दिस वन स्मॉलर वन तो छोटे ट्राइंगल की हाइपर्टनीस और छोटे ट्राइंगल की परपेंडिकुलर के रेशियो को ही साइन ए बोलते हैं क्लियर है अब यदि मैं सेम चीज़ बड़े वाले ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में बात करूं तो यू विल फाइंड ये अगेन दोनों सिमिलर है ट्राइंगल छोटा ये वाला ट्राइंगल ओरिजिनल और, और द उससे बिगर वन और यदि ये सिमिलर है तो इससे भी मुझे क्या मालूम चलेगा कि साइन ए जो होगा क्या होगा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपर्टनीस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू एन वी कैन राइट इजिकल टू क्यू एन अपॉन ए क्यू हाईपोट न्यूज बड़ा वाला हाईपोट न्यूज ए क्यू देट मीन्स हमने क्या देखा कि ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल हो या बड़ा ट्राइंगल हो औरजिनल ट्राइंगल से उनकी जो तो साइन ऑफ एंगल ए यदि एंगल ए कॉमन है तीनों के अंदर तो उसकी जो रेशियोज होती हैं सेम होती हैं दैट मीन्स साइन ऑफ़ एंगल ए की वैल्यूज़ जो होती हैं रिमेन सेम कोई चेंज नहीं होता है ठीक तो ये तो हमने साइन ऑफ एंगल दिस मीन्स टिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक साइन थीटा का निकाल लिया तो एग्जैक्टली exactly वे में हम कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कैसे यदि मैं इसी चीज़ को देखूँ जो हमने छोटे ट्राइंगल्स को लिया था अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को यदि मैं कंपेयर करूँ और इनको रीअरेंज कर दें इसको ऊपर इसको नीचे तो वी कैन राइट ए एम अपॉन ए पी ए पी नीचे आ गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी तो ये ए बी ऊपर चला गया ए सी नीचे रह गया और ए बी अपॉन ए सी देखो ए बी क्या है बेस और ए सी क्या है हाईपोटन्यूज तो वी कैन राइट इस बेस अपॉन हाईपोटन्यूज और बेस अपॉन हाईपोर्टन्यूज हमने क्या पढ़ा था कॉज ऑफ एंगल ए हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो वी कैन राइट कॉज ऑफ एंगल ए यदि एक ट्राइंगल में ये कॉज ऑफ एंगल ए है दैट मीन्स तीनों ट्राइंगल के अंदर मेरा जो कॉज ऑफ एंगल ए होगा वो सेम होगा दैट मीन्स देर इज नो चेंज चें कॉज की वैल्यू में भी एग्जैक्टली सेम वे में यदि मैं इसमें ही ऊपर वाले में इस लेफ्ट और इस राइट को देखू इन दोनों को कंपेयर करूं और रीअरेंज करूं सो वी कैन राइट सी बी अपॉन ए बी सी बी को ऊपर ले गया राइट और ए बी रहने दिया इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया तो ये रेशियो ले सकता हूं अब ध्यान से देखो सी बी सी बी क्या है सी बी इज दिस परपेंडिकुलर और ए बी क्या है बेस तो दिस इज वट परपेंडिकुलर अपन बेस एक इस वाले ट्राइंगल में भी और यदि मैं छोटे वाले में यहाँ दिख नहीं रहा है छोटे वाले में भी क्या है पी एम अपन ए एम इज परपेंडिकल ओपन बेस दैट मीन्स परपेंडिकलोपन बेस क्या होता है हमने सीखा था इस इज थीटा कहने का मतलब क्या हो गया कि द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रा इफ द एंगल रिमेन्स सेम की मीन्स एक एक एंगल जिसमें कॉमन एंगल यदि सेम रहता है ये एंगल सेम रहता है ट्राइंगल छोटा बड़ा हो जाए मीन्स मैं इतना छोटा भी ले लूँ या इससे और चार दस गुना बड़ा ले लूँ यदि एंगल मेरा सेम है तो यदि मेरी परपेंडिकुलर बेस की डायमेंशन हाइपर्टनीस एक फिक्स रेशो में इंक्रीज हो रही हैं फॉर द सेम एंगल इट इज़ इलिवेंट कि डायमेंशंस क्या हैं मीन्स परपेंडिकुलर कितनी है बेस कितनी है हाइपर्टनिस क्योंकि वो सेम रेशो में सिमिलर ट्राइंगल्स बनाएंगे और जब सिमिलर ट्राइंगल बनाएंगे तो टिग्नोमेट्रिक रेशोर साइन एट क्लियर वेरी गुड नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इसकी जो टिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उनकी बेसिक टर्म्स एंड फंक्शंस को एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे हम एंड उनके रिलेशनशिप देखेंगे विद ईच अदर क्या रिलेशनशिप्स मैथमेटिकल में रिलेशनशिप क्या होते हैं एडिशन सब्सैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही होता है तो वो टिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ क्या होता है उसको समझते हैं और उसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है राइट right? एक सिंगल स्लाइड में ही समझेंगे लेट स्टार्ट सो हमारी बेसिक टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं साइन थीटा कॉस थीटा एंड थीटा अब हम इनके इन्वर्स देखेंगे इन्वर्स मतलब क्या होता है कि वन अपॉन साइन थीटा यदि मैं साइन थीटा का इन्वर्स बोलूँगा तो क्या लिखूँगा वन अपॉन साइन थीटा जैसे कोई नंबर एम है उसका इन्वर्स क्या होता है वन अपॉन एम और वन अपॉन साइन थीटा को कैसे हम लिख हमने क्या जाना था वन अपॉन साइन थीटा का इनवर्स यदि मैं बोलूं तो वो क्या होता है इसको क्या बोला जाता है वन अपन साइन थीटा कोसैक्ट थीटा यही हमने पढ़ा था अभी राइट ओके अब यदि वन अपॉन साइन थीटा है अब ध्यान से देखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यदि मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा इनवर्स इसको मैं पढ़ूंगा कैसे इसको मैं पढूंगा साइन थीटा का इनवर्स या मैं दूसरे तरीके से पढ़ सकता हूँ इन्वर्स ऑफ साइन थीटा साइन थीटा का इन्वर्स या इन्वर्स ऑफ साइन थीटा इसका एक ही मतलब होता है ठीक कि हमने वन अपॉन साइन थीटा को ऊपर ले गए तो ओवरऑल ब्रैकेट के बाहर माइनस वन है हम इसको ऐसे नहीं ले सकते कि साइन माइनस थीटा साइन की पावर ऊपर लगा दी माइनस और थीटा लिख दिया ये इस, इसको पढ़ते कैसे हैं ये एक अलग चीज़ होगी बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट थिंग जो आपके टेंथ क्लास का पार्टी नहीं है इसको बोला जाता है साइन इनवर्स थीटा ये क्या था साइन थीटा का इनवर्स या इन्वर्स ऑफ साइन थीटा ये है साइन इन्वर्स थीटा साइन इन्वर्स मीन्स बहुत ही अलग चीज़ होती है इसलिए मैंने इसको रेड कलर में दिया है तो ये आपके लिए ख़ास मतलब चीज नहीं है बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वन अपॉन साइन थीटा इज दिस इज करेक्ट या वन अपॉन साइन थीटा को कॉन्सेप्ट थीटा बोलो ये भी करेक्ट है पर वन अपॉन साइन थीटा को आप साइन इन्वर्स थीटा नहीं बोल सकते क्लियर है तो ये आपको क्लियर हो गया ओके एग्जैक्टली सेम वे मैं यदि कॉस थीटा को लिखूँ उसका इन्वर्स वन अपॉन कॉस् थीटा इसको हमने नाम क्या बोला था यदि ये सी है तो क्या होगा सेक थीटा तो वन अपॉन कॉस् थीटा क्या होता है सेक थीटा या मैं वन अपॉन कॉस को ऊपर ले जाऊँ तो आई कैन राइट ब्रैकेट के अंदर कॉस्ट थीटा का इनवर्स या इनवर्स ऑफ कॉस्ट थीटा बट आई कैन नॉट से कॉस इनवर्स थीटा इट इज एंटायरली डिफरेंट मीनिंग सो नेक्स्ट इज टेंथ थीटा और टेंथ थीटा याद है हम क्या बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस्ट थीटा इक्वल टू तो कॉल टेन थीटा और यदि मैं टेंथ थीटा का इन्वर्स लिखूँ क्या होगा वन अपॉइंट टेन थीटा और वन अपॉइंट टेन थीटा का हमने एक नाम दिया था क्या बोलते हैं उसको कॉट थीटा दैट मीन्स मेरा ये जो टें थीटा है साइन थीटा अपॉन कॉस्ट थीटा यदि मैं कॉट लिखूंगा तो आई कैन राइट दिस वे आल्सो कि ये ऊपर नीचे कर दिया उल्टा कॉस् थीटा अपॉन साइन थीटा दिस इज कॉल्ड कॉट थीटा क्लियर ओके okay, टेन को भी यदि मैं ऊपर ले जाऊंगा तो आई कैन राइट टेन थीटा का इनवर्स या इनवर्स ऑफ टेन थीटा बट आई कैन नॉट से टेन इनवर्स थीटा सो दिस इज अ डिफरेंट थिंग अब यही चीज जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है तो टेग्नोमेट्रिक रेशोज में हम ये बोल सकते हैं कॉसैक्स सेकेंड कॉट थीटा ये भी हमारी हो गई इनका भी यदि इनवर्स निकाल लेते हैं सबको एग्जैक्टली exactly जैसे ये लिखा है ऐसे ही लिख सकते हैं हम वन अपॉन कॉशेक्ट थीटा वन अपॉन सेक थीटा वन अपॉन क्वाट थीटा और इन सब के हमको नाम मालूम है वन अपॉन कॉसैक्ट थीटा क्या होगा यहाँ पे हम लिखें तो या तो या इनको पहले ऊपर ले जाते हैं तो कॉसैक इनवर्स इनवर्स ऑफ कॉसैक् थीटा इनवर्स ऑफ सेक थीटा इनवर्स ऑफ कॉट थीटा और इनके नाम हमको मालूम है वन अपॉइंट कॉसैक् थीटा क्या होता है साइन थीटा ये वन अपॉइन्ट सेक्क थीटा कॉस थीटा वन अपॉइंट कॉट थीटा टेन थीटा बट इन सबको हम ये नहीं बोल सकते इनवर्स थीटा या सेक इनवर्स थीटा या कॉट इनवर्स थीटा ये चीज़ें हम नहीं है ये इंटायरली रेड वाली चीज़ डिफरेंट है ये आपको बार बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ही अलग चीज़ है जब आप एलेवन्थ क्लास में आएंगे तब आप समझेंगे इनका मिनिंग तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बट ये मैंने इसलिए समझाया कि आप वन अपॉन साइन थीटा को ऐसे तो लिख सकते हैं पर आप ऐसे नहीं लिख सकते इसलिए समझाया ओके तो ये तो हो गया बेसिक टर्म्स एंड फंक्शंस साइन टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल बोल सकते आप ओके okay, अब यदि मैं बोलूँ इनके रिलेशनशिप रिलेशनशिप मीन्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप तो हम क्या करते हैं साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे सब कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे टेन से मल्टीप्लाई करेंगे मीन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ एक्जैक्टली सेम वे में हम कॉस से भी मल्टीप्लाई करेंगे और हम टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे सो लेट स्टार्ट इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा साइन के ऊपर टू लगा दिया और थीटा लिख दिया इसको यदि मैं आपको नीचे लिख के दिखाऊं देखो नीचे आप बॉटम में लिख रहा हूँ तो वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली लिखे साइन थीटा इंटू साइन थीटा एक ये वाली साइन थीटा और एक ये साइन थीटा मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था साइन थीटा का टोटल स्क्वायर तो साइन थीटा का टोटल स्क्वायर लिखूँ या मैं ऐसे साइन स्क्वायर थीटा लिखूँ ये पॉजिटिव में तो ओके है साइन टू थीटा लिख दिया नेगेटिव में नहीं लिख सकते जैसे हमने यहाँ लिखा था लेफ़्ट में बस एक यही लिखना है आप ये बोलोगे साइन थीटा का इन्वर्स माइनस वन है तो मैंने ये माइनस साइन माइनस थीटा क्यों नहीं लिखा जबकि मैंने साइन स्क्वायर थीटा देखो नीचे जो हम बता रहे साइन थीटा का स्क्वायर तो मैं क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा ये तो अलाउड कर दिया आपने ये रेड वाला अलाउड नहीं किया तो रेड वाला का मीनिंग अलग होता है वो आप एलेवन्थ में समझोगे यार ठीक है अभी इस पर दिमाग मत लगाओ बस याद रखो कि नेगेटिव टर्म्स में हम ऐसा नहीं लिख सकते जबकि पॉजिटिव में हम लिख सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है साइन स्क्वायर थीटा लिखूँ या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखूँ या दो साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन लिखूँ इस एवरी थिंग इज सेम क्लियर ओके अब मैं मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा से तो क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा अलग अलग हैं तो वी कैन राइट साइन थीटा इन कॉस थीटा इन की जगह हमने डॉट लिख दिया डॉट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है या मैं क्रॉस साइन लगाऊँ उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया अब हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा को टेन थीटा को तो इसका मतलब क्या हुआ साइन थीटा इंटू टेन थीटा और देखो टेन थीटा कहता है साइन थीटा पॉन कॉस थीटा यदि मैं साइन थीटा पॉन कॉस थीटा जब हम लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिखें या हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कैसे ये साइन थीटा है नीचे कॉस थीटा मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं साइन थीटा तो दो साइन थीटा ऊपर हो गए एक नीचे कास्ट थीटा तो मैं क्या लिख सकता था साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस्ट थीटा लिखा जा सकता है तो वैसे भी लिख सकते थे या आप ऐसे भी लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ओके नेक्स्ट टर्म कॉस्ट थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं है साइन थीटा इंटू कॉस्ट थीटा लिख दो या कॉस्ट थीटा इंटू साइन थीटा मतलब एक ही है कॉस्ट थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस्ट स्क्वायर थीटा कॉस् थीटा इंटू टें थीटा तो कॉस्ट थीटा इंटू टेन थीटा मैं क्या लिखूँगा जैसे साइन थीटा इंटू टेन थीटा ऐसे लिखूंगा या कुछ डिफरेंट होगा इट इज डिफरेंट क्या वैल्यू आई इट इज साइन थीटा ओनली ऐसे कैसे हो गया ध्यान से देखो टें थीटा क्या है साइन थीटा अपन कॉस्ट थीटा हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं कॉस्ट थीटा कॉस्ट थीटा ऊपर आएगा तो नीचे वाला कॉस्ट कट गया तो बचा क्या साइन थीटा दैट इज वाई इट इज साइन थीटा सेम वे में टेंथ थीटा इंटू साइन थीटा ये तो पहले वाला ही हो गया तो हम क्या लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीट कॉस थीटा या मैं ऐसे लिखूं या ये जो हमने पहले लिखा था दोनों का मतलब सेम ही है ओके okay. टेन अभी हमने किया था क्या वैल्यू आई थी थीटा तो right sin theta. Theta दो टेन थीटा मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा ऐसे हम बाकी को भी कर सकते हैं कॉसैक्स को मल्टीप्लाई करो साइन थीटा से आप देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसैक राइट right? और कॉसक वन अपॉन कॉसैक क्या होता है देखो यही तो है यहाँ देखो कॉसैक् थीटा का मतलब होता है वन अपॉन साइन थीटा तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉसैक् थीटा को साइन थीटा तो हम के लिए हम वन अपॉन साइन थीटा को साइन थीटा से कहते हैं आंसर क्या आएगा वन ऐसी सबको यदि आप देखोगे तो यू विल फाइंड आउट द आंसर तो ट्राई टू फाइंड आउट सेम वे में इन सबको मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा से यू विल गेट टेन थीटा वन और कॉसक्वायर साइन थीटा और इनको एक्जैक्टली इनसे मल्टीप्लाई करो तो या तो आप इसको पहले कॉसैक् थीटा को ना क्या करो कॉसैक थीटा को वन अपॉन्ट साइन थिएटा कर दो सेक थीटा को वन अपॉइन्ट क्वास थीटा कर दो क्वाट थीटा को वन अपॉन्ट टैन थीटा कर दो और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा पर जो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई फ्रेंकली स्पीकिंग ना ये सब राइट हैंड साइड का कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है द दौनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि जब पावर टू होती है जब साइन साइन किए तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है यह बहुत बार साइन थीटा और टेन थीटा है और टेन थीटा का भी आपको मालूम है साइन थीटा पॉन कॉस थीटा होगा इसको शॉर्ट फॉर्म करके आप ऐसा लिख सकते हो तो ये क्या है ये तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा राइट साइड का पार्ट सेम वे में इन सबको भी याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आपने साइन थीटा का इन्वर्स देख लिया वन अपॉन साइन थीटा या कॉसिक थीटा तो बेसिकली इतना ही याद रखना है तो यदि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की बेसिक टर्म बात करूँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा भी आपके हैं इन दोनों के रेशियो इसलिए याद रख रहे अदरवाइज इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है हाँ बस याद ही रखना पड़ेगा टेन थीटा का जो इन्वर्स होता इसको है उसको कॉट थीटा बोलते हैं तो पांच टर्म याद रखनी है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा या छह छह टर्म्स कॉसेक थीटा सेक्ट थीटा कॉट थीटा यदि ये, ये, ये आपको याद है और ये याद है कि, कि किसी भी चीज़ को इन्वर्स करो तो ब्रैकेट के ऊपर इन्वर्स होता है वो रेड वाले नहीं होते हैं तो आपने पूरी सारी चीज़ सीख ली ठीक है ये सीख लिया तो चलो कुछ और चीज़ भी करते हैं जो आपको जानना जरूरी है सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू कैलकुलेट टिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ़ वी नो एनी वन ऑफ देम यदि आपको एक टिग्नोमेट्रिक रेशो मालूम है तो बाकी कैसे निकालते हैं कहने का मतलब कि यदि साइन थीटा याद है आपको साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइप्यूज थीटा बेस अपॉन हाइपोट टेन थीटा इज परपेंडिकुलर फॉर बेस या साइन थीटा ऑन कॉस्थीटा दैट इज कॉल्ड टें थीटा ये किस किस के विथ रेस्पेक्ट में थी कि यदि हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जहाँ पे एक एंगल नाइन्टी डिग्री है और किसी एक एंगल की बात कर रहे हैं तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़ो हाउ टू कैलकुलेट टिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ़ वी नो एनी वन ऑफ देम यदि हमारे को किसी साइन थीटा या कॉस्थीटा टेन थीटा की वैल्यूम मालूम है तो हम बाकी चीज़ कैसे पता लगाते हैं हम कैसे पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथोग्रस थ्योरम और पाइथोग्रस थ्योरम क्या थी क्या बोलती है हम बोलती है कि हाईप्रोटन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यही होती है पाइथोग्रस थ्योरम पढ़ी थी अब जैसे ये ट्राइंगल है इसमें परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए की यदि बात करें तो दिस इज परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू कितनी दी है कि हाइप्रोटन्यूज कितनी दी है थ्री के तो यदि कोई बोले ए बी मीस बेस ए बी की वैल्यू बताओ तो पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ थ्योरम तो पुट ऑल दो वैल्यू तो आपने कहा थ्री के स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इसको यहाँ ले जाओ राइट right साइड में तो क्या बचा आपको ए बी स्क्वायर इजिकल टू एट के स्क्वायर 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 रूट ले लो दोनों तरफ तो बाहर तो क्या बचा इस साइड लेफ्ट में ए बी इजिकल टू प्लस माइनस टू रूट टू के यही बचा क्योंकि के स्क्वायर का तो के आ गया और एट क्या आ गया फोर टू जीट तो टू बाहर आ गया टू अंडर रूट टू प्लस माइनस पर हम हमने यहाँ हम माइनस की वैल्यू लेंगे नहीं क्योंकि ए बी की कुछ लेंथ है तो ए बी की एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगी इट्स ऑलवेज पॉजिटिव तो वी कैन राइट इट इज़ टू रूट टू के अब इस टैंगल के अंदर तीनों साइड की आपकी मैग्नीट्यूड्स मालूम है उनकी वैल्यूज़ मालूम है ये के है ये टू रूट टू के है ये थ्री के है तो आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू पता लगा सकते हो सो लेट्स फाइंड आउट तो साइन ए साइन ऑफ एंगल ए इजिकल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाई प्रोड्यूस ये perpendicular तो परपेंडिकुलर क्या है इसके अपोजिट वाला दैट इज के अपॉन थ्री के तो वी कैन राइट दैट इज बी सी दैट बी सी अपॉन ए सी यही बोल रहे हैं परपेंडिकुलर ऑफ हाई प्रोड्यूस और बी सी और ए सी की वैल्यू दी हुई है रख दो तो, के अपॉन थ्री के के कट गया तो क्या रेशियो आ गई वन अपॉन थ्री तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई वन अपॉन थ्री आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हो कॉस थीटा मीन्स कॉस ए कॉस ए की वैल्यू क्या होगी बेस दैट इज बेस ये क्या है ए बी अपॉन ए सी पर हाइपर्ट न्यूज सो यू विल राइट सेम वे और इनकी वैल्यू दी हुई है टू रूट टू के तो राइट इट डाउन टू रूट टू के दैट मीन्स ए बी अपॉन थ्री के ए बी की वैल्यू हम निकाल ही चुके थे तो वो भी लिख दो यार टू रूट टू के के अपॉन थ्री के के कट गया तो क्या बचा टू रूट टू अपॉन थ्री तो कॉस ए की वैल्यू भी निकाल आई एग्जैक्टली टेन थीटा की वैल्यू निकालें या तो मैं साइन थीट अपॉन कॉसिटोमीस दिस डिवाइड बाय दिस कर दूँ तो टेन ए की वैल्यू आ जाएगी अदरवाइज हमको क्या मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो हमको परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे देखो ये है सी बी और बेस क्या है ए बी तो वी कैन राइट सी बी अपॉन ए बी या दूसरे फॉर्म में क्या बोलूँगा उसकी वैल्यू लिख दूँ के अपॉन टू रूट के के कट गया तो आंसर क्या बताया वन अपॉन टू रूट टू कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दी हुई है तो तीसरी साइड आप थ्योरम से तो तो निकाल लोगे और यदि आपको तीनों साइड की वैल्यू मालूम है तो यू नो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा एंड टें थीटा बिकॉज यू नो द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा कि वो किस किस चीज़ की रेशियोज होती है और जिस भी एंगल के बाद बात करेंगे कौन परपेंडिकुलर उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा यदि मैं एंगल सी की बात करता होता साइन ए की जगह साइन सी बोलता तो परपेंडिकुलर क्या हो जाता है ये टू रूट टू के बेस हो जाता ही ये बस इतना ही ध्यान रखना है आपको क्लियर वेरी गुड और यदि इतना क्लियर हो गया आपको सो लेट्स टेक वन एग्ज़ाम्पल सो एग्ज़ाम्पल नंबर वन गिवन टेन ए इक्वल टू फोर बाई थ्री फाइंड द अदर टिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द एंगल ए यदि टेन ए की वैल्यू आपको दी हुई है तो बोल रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता लगा दो पता लगा सकते हो यस यू कैन फाइंड इट वेरी इजिली सो लेट इस फर्स्ट डॉ और राइट एंगल ट्राएंगल क्योंकि अभी आप सीख रहे हो इसलिए हम ट्राएंगल बनाएंगे सो सपोज ए बी सी इज़ अ ट्राएंगल तो ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राएंगल एंड एंगल बी इज़ ऑफ नाइन्टी डिग्री ठीक है तो हमको दिया हुआ टेन ऑफ एंगल ए मीन्स इस एंगल की हम बात कर रहे हैं राइट right? ओके okay. तो वी नो दैट टेन ए की हम बात करेंगे इस ट्राइंगल के अंदर तो टेन ए क्या होता है टेन थीटा या टेन ऑफ ए मीन्स क्या होता है परपेंडिकुलर ये इस केस में परपेंडिकुलर होगा अपॉन बेस तो सी बी या बी सी अपॉन ए बी लिख सकते हैं तो दिस इज़ वॉट बी ऑफ रिटर्न और बी सी अपॉन ए बी यदि ये वैल्यू है तो इनकी वैल्यू दी हुई है क्या दी हुई है फोर अपॉन थ्री दैट मीन्स यदि मैं टेन ए इज एकल टू लिख रहा हूँ बी सी अपॉन ए बी इज इक्ल टू फोर अपॉन थ्री इसका मतलब ही क्या हुआ बी सी कितना हो गया मेरा बी सी की वैल्यू कितनी होगी फोर और ए बी की वैल्यू कितनी होगी थ्री इसका मतलब यही हो गया बट हम क्या करते हैं क्योंकि ये रेशो है आपको याद है हमेशा रेशो होती है तो हम बोलते हैं कि वो किसी के के पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो वी कैन से बी सी की वैल्यू फोर मल्टीप्लाई बाय के फोर के है देन ए बी की वैल्यू क्या होगी थ्री के मीन्स ऊपर नीचे हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया ये हमने इसलिए किया कि वेयर के इज़ अ पॉजिटिव नंबर के की वैल्यू वन भी हो सकती है टू भी हो सकती है थ्री भी हो कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है दैट मीन्स उसको डिवाइड करूंगा उसकी रेशियो यही आएगी फोर बाई थ्री के के तो कट जाएगा बट यदि सपोज के की वैल्यू टू ही दैट मीन्स ये फोर की जगह क्या होगा एट मतलब फिजिकली रेश ए बी की वैल्यू कितनी होगी एट oh, और सॉरी बी सी की वैल्यू होगी एट और ए बी की वैल्यू क्या होगी सिक्स तो ये ट्राएंगल बनने में होगा राइट एंगल ट्राइंगल पर उसका साइज बड़ा होगा दैट इज़ वाय जब भी कोई रेशियो दी होती है तो हम उसको हमेशा किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे में के से कि आप एक्स एक्स से बोल सकते थे सो so, यहाँ यदि ये क्लियर है तो इसलिए हम बोल रहे हैं बी सी की वैल्यू होगी फोर के एंड ए बी की वैल्यू होगी थ्री के वेर के इज़ अ पॉजिटिव नंबर राइट तो राइट इट डाउन तो ये हमारी थ्री के हो गई ये फोर के हो गई और हमने क्या जाना था यदि दो साइड हमें मालूम है थर्ड साइड तो हम पता ही लगा सकते हैं और वो थर्ड साइड क्या होती है कैसे पता लगाया जाता है बाई थ्योरम यस यू आर राइट सो वी विल राइट द यूज दाइथोग्रस्थॉरम वी हैव ए सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। दिस इज दिस सो एट पुट दो फोर के स्क्वायर प्लस थ्री के स्क्वायर इनको भी सॉल्व कर लो कितना हो गया फोर फोर एजन सिक्सटीन थ्री थ्राइन दैट मीन्स ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर ए सी स्क्वायर इजिकल टू ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस फाइव के माइनस हम ले लेंगे लेंगे नहीं क्योंकि ए वी ए सी की कुछ वैल्यू है तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई इट्स फाइव के तो आप देखो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड हमें दी हुई हैं हमको साइन ऑफ क्या दिया होता है इनिशियली टेन थीटा टेन ए दिया हुआ था दैट मीन्स दो साइड की रेशोज दी हुई थी तीसरी हमने पाइटोग्रस से निकाल ली अब क्या बोल रहा है अदर टेगनोमेट्रिक रेशोज़ अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या है कॉज है साइन है सब है सब निकाल सकते हो सो वी विल राइट साइन ए साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए यदि ये है तो परपेंडिकुलर क्या फोर के अपॉन थ्री के या सी बी अपॉन ए बी ऐसे लिख सकते हैं तो यू विल राइट कि बी सी अपॉन ए सी और बी सी की वैल्यू दी हो फोर के अपॉन फाइव के के कट गया तो यूल इट इज़ फोर अपॉन फाइव टेन की वैल्यू थी फोर पॉइंट थ्री साइन की वैल्यू होगी गई फोर पॉइंट फाइव सिमिलरली यू विल से कॉस की वैल्यू कॉस ऑफ एंगल ए विल बी ए बी अपॉन ए सी ए बी अपन क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर और सॉरी बेस अपॉन हाईपोर्ट तो यू विल राइट द फॉर्मूला थ्री के अपॉन फाइव के कट गया तो रेशियो इज थ्री अपॉइन फाइव तो हमने टेन ए से स्टार्ट किए हमने साइन ए की वैल्यू निकाली कॉस ए की वैल्यू निकाली और भी कोई इनके इन्वर्स निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो सो देअर फोर वी कैन से यदि कॉट ए निकालना है इसका टेन ए का इन्वर्स है, है। तो फोर बाई थ्री है तो क्या हो जाएगा थ्री बाई फोर वन अपॉइंट टेन ए और वन अपॉइंट वन है इट मीन थ्री बाई फोर एग्जैक्टली साइन है और कॉस ए के इन्वर्स निकालना है तो क्या होता है cosec है cosec के इन्वर्स ऑफ साइन वन अपॉन साइन है और यदि वन अपॉइन्ट साइन है साइन ए क्या फोर बाई फाइव तो cosec क्या होगा उल्टा फाइव बाई फोर सेम वे में cosec का ऑपोजिट क्या होता है वन अपॉन सेक ए या सैके इज इकल टू वन अपॉइंट कौसे कौसे की वैल्यू अपॉन फाइव है तो सैके क्या हो जाएगा फाइव पॉइंट थ्री तो जिस तरीके से हमने छहों की छहों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल लिया क्लियर वेरी गुड लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल टू इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ऑफ बी इज टू साइन ऑफ क्यू देन वी हैव टू प्रूव के एंगल बी इज टू क्यू ये क्या बात कर रहे हैं इसको एक क्वेश्चन को दोबारा समझें तो क्या बोल रहे हैं वी हैव टू ट्राई एंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर जिसके एंगल बी और एंगल क्यू की हम बात कर रहे हैं दोनों एंगल एक्यूएट मीन्स लेस देन नाइन्टी है साइन यदि मैं बी का लेता हूँ और साइन क्यू का भी लेता हूँ तो वो दोनों बराबर है और यदि ऐसा है कि साइन ऑफ़ बी एंड साइन ऑफ क्यू आर इक्वल तो हमको ये प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या है सेम है ओके okay? सो so, इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे वी विल राइट कि लेटेस्ट कंसीजर टू राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर वेयर साइन ऑफ़ बी इज इकल टू साइन ऑफ क्यू या हम साइन ऑफ बोलें साइन बी इज ईकल टू साइन क्यू ऐसे ही बोल सकते हैं ये तो हमको दिया ही हुआ है यदि ऐसा है तो साइन ऑफ बी किसी भी एंगल का साइन बीज क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन आई प्रोटीन्यूज तो परपेंडिकुलर क्या हुआ ए सी और आई प्रोटिन्यूज क्या हुआ ए बी तो हम ये लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी सेम वे में फॉर एंगल क्यू तो साइन ऑफ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर इसमें क्या है पी आर और हाई पिटनीस पी क्यू तो राइट इड पी आर अपॉन पी क्यू साइन बी की वैल्यू ये हो गई साइन क्यू की वैल्यू ये हो गई और हमको ये मालूम है दोनों बराबर हैं तो इन रेशियो भी बराबर हो गए सो वी कैन से ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू इन रेशियोज को यदि हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं कैसे इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे ले जाओ सो वी कैन राइट इट दिस वे कि ए सी अपॉन पी आर मीन्स पी आर यहाँ नीचे आ गया और ये ए बी था ऊपर चला गया तो ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब ध्यान से देखो ए सी ए सी में कौन सी है ये और पी आर क्या है ये दैट मीन्स दिस साइड की रेशो डिवाइड बाई दिस साइड मीन्स इन साइड्स की रेशो और ए बी और पी क्यू क्या है ए बी पी क्यू देखो ये ग्रीन वाला ए बी डिवाइड बाई पी क्यू मीन्स इन दोनों ट्राइंगल की रेड वाली साइड की रेशो और ग्रीन वाली साइड की रेशो ग्रीन वाली मीन्स हाइपोटनीस की रेशो और परपेंडिकुलर्स की रेशियो दोनों क्या है सेम है एंड से इसकी वैल्यू है के उस रेशो की वैल्यू दी हुई है के तो एक ट्राइंगल के अंदर मतलब दो ट्राइंगल के अंदर दो साइड की रेशो जो तो सेम हो गई अब हमको बस यही देखना है कि यदि थर्ड साइड की रेशो भी यदि के हो जाए तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर ट्राइंगल क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है करस्पोंडिंग साइड्स की यदि रेशियो सेम है तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं तब हम बोल सकते हैं एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है सो लेट्स प्रूव इट अब ये क्या है राइट एंगल ट्रा तो हम कैसे प्रूव करेंगे वी विल यूज़ थ्योरम आपको याद ट्रिग्नोमेट्री में बस यही याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री एंगल की बात कर रहे होते हैं तो उसमें पाइथोग्रस् थ्योरम तो आएगी आएगी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा कॉस थीटा टेंथ थीटा ये चीज़ थी, तीन चीज़ जरूर होंगी ठीक है हमने एक को तो यूज़ कर ही लिया साइन थीटा की वैल्यूज़ को अब हम पाइथोग्रस को भी यूज़ कर लेते हैं so, सो पहली सी बी को निकालते हैं सी बी क्या होगी ये क्या है बेस तो दैट मीन्स वी कैन राइट हाई का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर उसका रूट टू ले लें तो सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू या मैं बोलूँ बी सी इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हाई का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर यही होगा और हमने इक्वेशन वन से देखें ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ पी क्यू इन के लिख सकता हूँ सो लेट्स राइट डाउन सेम वे में ए को क्या लिख सकता हूँ के इन टू ये लिख सकता हूँ तो लेट्स राइट डाउन सो और सिमिलरली जो हमने दूसरे वाले ट्राइंगल में देखें तो ये आर क्यू इस वाले को भी निकालें तो वो भी पैथोग्रस से मिलेगा और यदि ऐसा है हमको क्या पता लगाना है सी बी और पी आर की रेशो तो लेट्स डिवाइड तो इसको हम ये चीज़ और ये चीज़ दोनों को लिख सकते हैं लिख दो जो मैं अभी ऊपर बता रहा था कि ए बी इज टू क्या होता है पी क्यू इंटू के लिख सकता हूँ तो बस ए सी में भी पी आर इंटू के तो लिख दो उससे करने से फ़ायदा क्या होगा कि देखो नीचे ये पी क्यू स्क्वायर आ गया ये पी आर स्क्वायर हो नीचे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी के आर स्क्वायर है यहाँ के स्क्वायर के स्क्वायर को तो कॉमन बाहर आ जाएगा के तो देखो ये दोनों कट जाएंगे तो फाइनली क्या बचेगा के दैट मीन्स ये जो ब्लू वाली साइड्स की रेशियो भी क्या आ गई हमारी के और पहली वाली दो की हमको मालूम है साइड की रेशियो क्या है के दैट मीन्स मेरी तीनों साइड की दोनों ट्राइंगल्स के अंदर यदि तीनों साइड की रेशो सेम है तो वी कैन से फ्रॉम इक्वेसन वन एंड इक्वेशन टू तीनों साइड की रेशो क्या है सेम है एंड इफ दैट इज़ द केस कि दो ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड की रेशो यदि से सेम है तो क्या बोलते हैं हम बाई बाई वी कैन से बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया साइड 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल या ऊपर वाला ट्राएंगल इज सिमिलर ये साइन होता है सिमिलर का इज सिमिलर टू नीचे वाला ट्राइंगल दैट इज पी क्यू आर और यदि दोनों ट्राइंगल सिमलर हैं तो क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल दैट मीनस देयर फोर एंगल बी इज इक्वल टू क्यू एंड प्रूफ था ना कितना इजी तो क्या हमने यूज़ किया टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज किया और पाइथोग्रस्ट हम तो दो ही चीज़ों को टिग्नोमेट्रिक में यूज करें वेरी गुड नाउ लेट्स एक वन मोर एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल थ्री

तो so, इसकी वैल्यू है ट्वेंटी वन यूनिट्स इसकी है ट्वेंटी नाइन यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी जो दिया हुआ है एंगल ए बी सी ये इसकी वैल्यू है थीटा ये जो है फिगर में हमको दिया हुआ है ठीक है अब हमको क्या बताना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ये आपको एक फार्मूला दिया हुआ इसकी है इसकी वैल्यू पता लगानी है दैट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दूँ और साइन थीटा की वैल्यू डाल दूँ तो कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर तो हमारा आंसर आ जाएगा और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस कर रहा है यहाँ प्लस तो इजीली आप निकाल सकते हो और कॉस थीटा का मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपर्ट तो थीटा की मालूम चल गई साइन थीटा के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर पेंड न्यूज आपको परपेंडिकुलर नहीं मालूम है तो पहले तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है राइट एंगल ट्राइंगल में इंपॉर्टेंट चीजेस पाइथोग्रस्त और हम तो उससे आप साइड निकाल लोगे एक बार वैल्यू निकल गई तो ये दोनों को सॉल्व करना बहुत ईजी होगा सो लेट्स सॉल्व इट सो वी विल राइट दिस वे इन अ ट्रैंगल ए बी सी वी हैव ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर ये क्या है पाइथागोरस तो थ्योरम से उसको हम वैल्यू रख दें तो मीन्स ट्वेंटी नाइन स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन स्क्वायर इसको सॉल्व करें जो तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यू यू कैन राइट दिस वे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यह लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यही फार्मूला होता है हमने सीखा था तो आप इसको ऐसे लिखे इससे एक फ़ायदा क्या हुआ या तो मैं ट्वेंटी नाइन स्क्वायर की वैल्यू निकालता यदि या आपको याद है मूझवानी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो और माइनस ट्वेंटी वन का स्क्वायर है तो इसका क्या होता है ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन फोर वन तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर यदि आप होता तो कितना होता सेवन एट्टी वन तो आप लिख के सेवन एट्टी वन माइनस फोर फोर्टी वन तो आंसर आ जाता अदरवाइज आसान तरीका यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी और ए प्लस बी सकते हैं अब इन दोनों को माइनस कर लो सो so, क्या हो जाएगा ये ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेंटी वन एट और ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी वन एट फिफ्टी इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना आपके लिए ईजी है लेट्स मल्टीप्लाई लेट्स फोर हंड्रेड और फोर हंड्रेड का मतलब क्या होता है कि मीस किसका स्क्वायर है ट्वेंटी का स्क्वायर सो आंसर इज ट्वेंटी यूनिट्स क्यों यूनिट्स क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स लिखा है इसलिए वी आर राइटिंग ट्वेंटी यूनिट्स तो हमको ए सी की वैल्यू मालूम चल गई तो अब एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड आपको मालूम है तो कॉस स्क्वायर थी कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है साइन थीटा मालूम है तो पहले पता लगा लो सो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर तो थीटा ये है तो परपेंडिकुलर यही होगा अपॉन हाइपोटनीज तो ट्वेंटी अपॉन वी कैन राइट ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी नाइन एग्जैक्टली सेम वे में कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटनीज बेस क्या है सी बी अपॉन ए बी सी बी अपॉन ए जी या बी सी बोले कोई एक ही मतलब है वैल्यू रिख दो ट्वेंटी वन अपॉइंट ट्वेंटी नाइन तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई साइन थीटा की वैल्यू अब क्या दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ साइन कॉस थीटा स्क्वायर ऑफ साइन थीटा उनका सम और एक बार डिफरेंस सो यू कैन फाइंड आउट नाउ यू कैन से फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं कॉस स्क्र थीटा पर साइन स्क्वायर थीटा पुट दो वैल्यूज ट्वेंटी अपॉइंट ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी वन अपॉइंट ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर कहाँ से आ गया ये ऊपर से आ गया इसको आप सॉल्व कर लो तो इट इज दिस फर्दर सॉल्व करोगे इट इज दिस इफ यू एड इट तो आंसर इज वन दैट मीन्स सम ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है वन होती है ओके सेम वे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में यही चीज़ एग्जैक्टली रखोगे एंड यू एन यू सॉ लेट बट यू विल गेट फोर्टी वन अपॉन एट फोर्टी वन तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की थीटा हुई फर्टी वन अपॉइन एट फोर्टी वन वेर एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ये कैसे आया आपने कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी ये वैल्यू कैसे निकालनी है बाई यूजिंग पाइथोग्रास्तरा सो दिस वे यू आर एबल टू सॉल्व दिस टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और द फॉर्मूला और द इक्वेस वट एवर इज़ गिवन टू यू क्लियर यदि ये क्लियर तो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल इससे आप थोड़ा और क्लियर हो गए सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर फोर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल और कहाँ पर है राइट एंगल नाइन्टी डिग्री कहाँ पर है बी इज एंगल इज अ राइट एंगल ये हमेशा लिखा हुआ इफ टेन ए इजिकल टू वन टेन ए मीन्स एंगल ए की बात कर रहा उसकी value 1 है उसकी वैल्यू वन दी हुई है देन वेरीफाई दैट टू ट्वाइप ऑफ़ साइन ए इं टू कॉस एज इक्वल टू वन मीन्स ये आइडेंटिटी या इक्वेशन दी है बोला लेफ्ट एंड साइड की वैल्यू निकालोगे तो वो वन आएगी दैट मीन्स साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल दें और इसमें पुट कर दें तो उसकी वैल्यू वन आनी चाहिए सो so, कैसे सॉल्व करेंगे इसको सोल्व करने से पहले समझ लें टेन ऑफ ए मीन्स मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ जब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ और टेन थीटा क्या होती है परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या होगा ये वाला नहीं होगा ये वाला नहीं होगा क्या होगा ए के ऑपोजिट दैट मीन्स बी सी इज़ द परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा एट सेंट साइड टू द एंगल ए दैट मीन्स ए बी इज़ माई बेस तो टेन थीटा है टेन ए दिया हुआ है दैट मींस मेरे को क्या हुआ परपेंडिकुलर कौन बेस जिसकी वैल्यू वन दी हुई है राइट right? तब मैं बाकी सब चीज़ें पता लगा सकता हूँ सो लेट्स सो दैट मीन्स दिस इज़ माई परपेंडिकुलर दिस इज माई बेस ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है यदि आपने यही चीज़ गलत कर दी कि आपने परपेंडिकुलर इसको ले लिया क्योंकि आपको हमेशा मालूम है ऐसे ही बनाते हैं सब नीचे वाला बेस होता है वर्टिकल जो होता है परपेंडिकुलर तब तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ठीक इसको यदि क्लियर है सो लेट सॉल्व तो वी विल सॉल्व इट दिस वे इन ट्राइंगल ए बी सी जो गिवन ट्राइंगल है उसमें टेन ए की वैल्यू टेन ए मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपन बेस मीन्स बी सी डिवाइड बाई ए बी बी सी डिवाइड बाई ए बी ठीक है और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको वन दिस इज वट इज गिवन यहाँ पे ओके सपोज दो साइड की रेशियो इज इक्वल टू वन दी हुई है तो हम हमेशा क्या करते हैं इसको के से मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट सो वी कैन से या इस इस वाले से निकालें बी सी इज ईक्ल टू ए बी के से अभी मल्टीप्लाई मत करो सिंपल समझने के लिए तो इस इस वाली इक्वेशन से आ गया मीन्स मेरी ये साइड इस साइड के बराबर है और अब आपको ध्यान से देखो दो साइड किसी ट्रा के बराबर हो तो उसके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा 90 और दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा 45 45 आंसर तो आपका आ ही गया डायरेक्ट साइन मतलब ये एंगल ए की वैल्यू निकलें तो निकाल डालो यार सो so, हम नॉर्मली क्या करते हैं कैसे करते हैं तो वी विल राइट नॉर्मली इस तरीके से लिखे जाए कि वी विल से ए ए बी इज इकल टू बी सी इजिकल टू से के फिर के इज़ अ पॉजिटिव नंबर हम क्यों कैसे कर रहे हैं कि ये दोनों साइड बराबर हैं पर एक के टाइम मल्टीप्लाई किया वन से के को मल्टीप्लाई किया वो ट्राइंगल बड़ा भी हो सकता था इससे छोटा भी हो सकता है राइट इसलिए हम के लिख रहे हैं ओके इसका मतलब मुझे ये साइड के है ये साइड के है तो ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं क्यों निकालना चाह रहा हूं तो क्योंकि मुझे साइन ए और कॉ सी की वैल्यू पता लगानी है तो लेट्स फाइंड आउट तो ना आई विल से ए सी इजिकल कैसे पता लगाओ पाइथागोरस -तो थ्योरम से तो इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट या स्का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस का स्क्वायर यहाँ पे ए बी और BC बी सी की वैल्यू रख दो क्या लिया हमने के क्योंकि ये दोनों बराबर है राइट तो राइट्स राइट डॉन तो बाई थ्योरम वी राइट के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर तो क्या हुआ टू के स्क्वायर और इसको और सॉल्व करेंगे तो के बाहर आ गया अंडर रूट टू तो ये रह गया दैट मीन्स मुझे ए सी की वैल्यू मालूम चलेगी के रूट टू ठीक तो अब तीनों साइड आपको मालूम है तो आप इजीली साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हो तो लेट्स फाइंड आउट साइन ए ध्यान रखना साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर तो ये परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज तो मीन्स के अपॉन के रूट टू तो विल राइट डी सी अपॉन ए सी दिस दिस अपॉन ए सी इज इक्वल टू के अपॉन के रूट टू के के कट गए तो क्या बचा वन अपॉन रूट टू एग्जैक्टली सेम वे में फॉर कॉस ए कॉस ऑफ ए मीन्स बेस अपॉन हाईपोन्यू मीन्स ए बी अपॉन ए सी यही है और ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू रखोगे के अपॉन के रूट टू ये इस केस में ये भी हाफ आ गए एंड ये वन बाई रूट टू ये वन बाई रूट टू तो साइन ए कॉस ए मालूम चल गया दिया क्या हुआ था साइन ट्वाइस मल्टीप्लाई करना है साइन ए से कॉस ए इजिकल टू वन तो लेट्स डू इट सो ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए को साइन ए कॉस ए की वैल्यू रख दो वन अपॉइन्ट रूट टू वन अपॉइन्ट रूट टू तो रूट टू रूट टू क्या हो गया टू ऊपर टू है तो आंसर क्या हो गया टू वन

ओ क्यू ओ क्यू क्या है ओ क्यू मीनस दिस साइड माइनस पी क्यू मीनस ये जो वर्टिकल साइड और ये जो हाईपुट न्यूज़ है इनके बीच में डिफरेंस वन सेंटीमीटर का है ठीक है ये दो चीज़ दी हुई है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल नाइन्टी डिग्री का है पी जो इस एंगल नाइन्टी डिग्री है इस साइड की वैल्यू दी हुई है सेवन और जो हाईपुट न्यूज़ और पर्पेंडिकुलर के बीच में डिफरेंस क्या हैन सेंटीमीटर हाईपुट न्यूज़ क्योंकि सबसे बड़े एंगल के अपोजिट है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी राइट right. इसलिए इससे इसकी वैल्यू कितने है? जो भी वर्टिकल साइड है वो एक सेंटीमीटर छोटी है ऐसे समझ लो हमको पता लगाना है डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम यदि ध्यान से देखें तो हम एंगल क्यू की बात कर रहे हैं और यदि ये एंगल क्यू है ये राइट एंगल ट्राइंगल है साइन क्यू और कॉस क्यू की बात करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा उसके ऑपोजिट दैट मीन्स दिस इज़ माई परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ माई बेस तो ये यह हम यहाँ पे लिख लेते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपको याद ही रहेगा कि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है अभी इनिशियली हम लिख ले रहे हैं लिखने से क्या हमारी गलती नहीं होती है जब आप साइन क्यू की वैल्यू निकालोगे नहीं तो हो सकता था आप साइन क्यू की वैल्यू में इसको परपेंडिकुलर ले लें इसको बेस ले लें क्योंकि नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या होता है वर्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर जबकि ऐसा है नहीं जिस भी एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके ऑपोजिट जो होता है परपेंडिकुलर और जो उसके एक्सेंट होता है बेस यहाँ तक क्लियर ओके सो लेट्स राइट डाउन द सोल्यूशन सो वी विल से इन गिवन ट्राइंगल ओ पी क्यू वी हैल टू बे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दिस साइड का स्क्वायर इज समिस ये कहाँ से आएगा हमने पाइथोग्रस्टरम से यदि ये पाइथोग है तो यहाँ पर देखो ये एक और वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर हम ओ क्यू ओ क्यू यहाँ से निकाल सकते हैं तो ओ क्यू की वैल्यू यहाँ लिखे तो मैं क्या लूँगा इसको राइट right साइड में लिखाऊँगा वन प्लस पी क्यू लिख सकता हूँ तो लेट्स राइट डाउन तो वन प्लस पी क्यू स्क्वायर इजिकल टू ये राइट right वाला वैसे ही रहेगा और ये कहाँ से आया जो हमको दिया हुआ है वहाँ से हमने इसकी लिख दिया वन प्लस पी क्यू ओ क्यू को रिप्लेस कर दिया अब ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो कर दो वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर बीस पी क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं राइट हैंड साइड वैसे ही रह गया ये कैसे आया बाय फार्मूला दिस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये फार्मूले से हो गया क्लियर है ओके अब इसमें देखो ओ इधर क्या होगा गया पी क्यू स्क्वायर ये पी क्यू स्क्वायर ये तो कट गए ये कट गए तो क्या बचा इसे वन प्लस टू पी क्यू इजिकल टू ओ पी स्क्वायर अब ओ पी स्क्वायर क्या यहाँ हमको दिया हुआ है देखो ओ पी मी सी साइड सेवन सेंटीमीटर तो हम ओ पी स्क्वायर के सेवन लिख सकते हैं मी सेवन का स्क्वायर अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे वट यू विल गेट इट पी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर और पी क्यू क्या मीन्स मेरा ये बेस इसकी वैल्यू आ गई ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर और हमको ये मालूम है कि बेस से ये जो वर्टिकल साइड है इससे हाइपोटेन्यूज क्या वन सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ी है और क्यों कहाँ से आ रहा है ये ये हमको दिया हुआ था सो so, इसमें ऐड हो जाएगा दैट इज़ ट्वेंटी फाइव इसका मतलब यदि मेरा बेस ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर है तो हाइपोटेन्यूज मीस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर हो गया अब इस ट्राइंगल एक ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड की वैल्यू दी हुई है विद यूनिट सबकी सेंटीमीटर 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 है अब साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना तो बहुत ईजी हो गया साइन क्यू क्या होगा इस क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाईपर्टनीस परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू अपॉइंट ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी फाइव सेवन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव एक्जैक्टली में कॉस क्यू का बेस अपॉन हाईपर्टन्यूज तो वी कैन राइट कॉस क्यू की वैल्यू क्या होगी गया ट्वेंटी फोर अपॉइंट ट्वेंटी फाइव एंड दैट इज़ वॉट वी वर सपोज टू फाइंड आउट तो हमने निकाल लिया नाव यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू सेवन पॉइंट ट्वेंटी फाइव ये तो हमने वैल्यू निकाली सेम वे में क्वास थीटा निकाली या इससे प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या निकाल दी साइन ए की वैल्यू आई थी वन पॉइंट रूट टू और क्वास ए की वैल्यू भी वन पॉइंट रूट टू आई थी क्या मतलब हो रहा है इसका यदि आप यहाँ देखो ये किस एंगल की बात कर रहे हैं एक ट्रा है, है जिसमें हम एंगल क्यू की बात कर रहे हैं और उस एंगल क्यू के साइन यदि लें मीन्स साइन थीटा मीन्स ये क्या एंगल है थीटा मतलब कुछ वैल्यू होगी डिग्री में होगी वैल्यू तो वो क्यू की क्या वैल्यू है कि वो थर्टी डिग्री है ट्वेंटी डिग्री है फोर्टी डिग्री है हंड्रेड डिग्री है यदि मैं हंड्रेड डिग्री यहाँ रखूँ साइन ऑफ़ हंड्रेड डिग्री क्या वो सेवन पॉइंट ट्वेंटी फाइव होता है एग्जैक्टली exactly मैं यदि मैं एंगल ए की बात करूँ प्रीवियस क्वेश्चन के तो साइन ऑफ वट डिग्री इज इक्वल टू हाफ अब वो क्या डिग्री है और हम उसको कैसे याद रखें कि किस वैल्यू ऑफ़ ए के लिए साइन ए की उस वैल्यू के लिए या वो डिग्री के लिए इसकी वैल्यू हाफ़ होती है ऑलवेज़ यदि कॉस्ट में मिलूंगा वो भी हाफ़ होती है वो क्या डिग्री होती है और आपको जान के मतलब मैं एग्जांपल के लिए जस्ट समझा दूं यदि मैं बोलूँगा साइन ऑफ़ 45 डिग्री साइन 45 डिग्री उसकी हमेशा वैल्यू क्या होती है वन बाई रूट टू कॉस ऑफ 45 डिग्री उसकी ऑलवेज़ वैल्यू यह होती है वन बाई रूट टू पर मैंने ये कैसे बता दिया और मैं कैसे याद रखूँगा एंड एज़ अ स्टूडेंट आप कैसे याद रखोगे उसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का सो लेट स्टार्ट द टिक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स वो कौन से स्पेसिफिक एंगल है जो आपको याद रहने चाहिए जो आपको अगले इस टेंथ क्लास में भी फ्यूचर आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में और फ्यूचर में भी जितनी भी आप क्लासेस पढ़ेंगे सब जगह टिक्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ पता लगाने में आपके लिए हेल्पफुल होगा और वो आपको याद रखना मैंडेट्री है हाँ बाय द वे और वो स्पेसिफिक एंगल कौन से हैं कौन सी वैल्यूज़ हैं जीरो डिग्री मीन्स यदि मैं साइन की बात करूँगा साइन ऑफ़ जीरो डिग्री साइन ऑफ थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्री मीन्स हम इन चार पाँच एंगल्स की बात करेंगे टोटल फाइव जीरो नाइन्टी नाइन्टी डिग्री का एंगल होता है तो नाइन्टी तो मिनिमम जीरो पर नाइन्टी डिग्री पर इन बिटवीन दैट इज़ फोर्टी फाइव और 90 को यदि आप 30, 30, 30 ऐड करते हैं तो मीन्स 30 प्लस थर्टी सिक्सटी प्लस थर्टी नाइन्टी तो इसलिए 30 की भी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए राइट right? तो यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस 30 डिग्री का डिफरेंस 30 का डिफरेंस और दिस इज़ द हाफ ऑफ जीरो एंड 90, 90 का हाफ करोगे 45 फाइव होगा एंड ऑल वैल्यूज़ आर इन डिग्रीज ये आपको चीज़ याद रखनी है तो यदि ये एंगल दिए हैं और आपको टिग्नोमेट्रिक रेशोज पूछी जाए तो उसकी वैल्यू कैसे याद रखनी है मीन्स पहला क्वेश्चन हम पहले बात करते हैं 45 डिग्री की ठीक है सो टिग्नोमेट्रिक रेशियो फोर्टी 45 डिग्री ये क्या होता है पहली बात तो इसकी वैल्यू कितनी होती है याद रखने से पहले पहले तो ये मालूम चले कि वो वन बाई रूट टू जो मैंने अभी आपको बोला वो आई कैसे क्यों आई वन बाई रूट टू पहले वो समझ लें एंड देन फिर हम याद रख लेंगे उसको सो इन ट्राइंगल ए पहले एक ट्राएंगल बना लेते हैं तो ए इज़ अ ट्राएंगल विच इज़ राइट एंगल एट बी बी पर नाइन नाइन्टी डिग्री है इफ़ वन एंगल इज़ फोर्टी फाइव डिग्री यदि कोई एक एंगल इसका फोर्टी फाइव तो रिमेनिंग दो ही एंगल बचे बी ए और सी उनमें से वन ऑफ द एंगल इज़ फोर्टी फाइव डिग्री यदि एक फोर्टी फाइव है so ऑटोमेटिकली दूसरा क्या होगा वो भी फोर्टी फाइव होगा क्यों होगा क्योंकि ये नाइन्टी है नाइन्टी प्लस नाइन्टी हंड्रेड एट्टी होता है तो इन दोनों का सम क्या होगा नाइन्टी और दोनों यदि एक फोर्टी फाइव है रिमेनिंग क्या बचा फोर्टी फाइव दैन द अदर एंगल इज़ ऑल्सो फोर्टी फाइव डिग्री दैट इज़ वट हैज़ बिन रिटन एयर वही मैं आपको एक्सप्लेन कराऊँ देट मीन्स एक राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें एक एंगल नाइन्टी डिग्री है और यदि दूसरा एंगल फोर्टी फाइव है तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल विल भी फोर्टी फाइव दैट मीन्स द रिमेनिंग टू एंगल्स आर इक्वल और उनकी वैल्यू कितनी होगी फोर्टी फाइव यदि मैं बोलूँ रिमेनिंग टू एंगल्स आर इक्वल देट मीन्स वो क्या होंगे ऑटोमेटिकली फोर्टी फाइव डिग्री के होंगे एंड इफ़ दैट इज़ द केस यदि ऐसा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 45 डिग्री और ऊपर भी लिख सकते हैं 45। अब देखो दोनों एंगल यदि सेम है किसी ट्राइंगल के अंदर तो ये किस टाइप का ट्राइंगल हो गया यू रिमेंबर आइसोसिलीस्ट एंगल आइसोसलीस्ट एंगल में यदि एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड क्या होती है बराबर दैट मीन्स वी कैन से बी सी दैट मीन्स बी सी एस सी बी ये साइड इस साइड के बराबर होगी ये तो आइसोलीस ट्रा की बात होती खास ओके okay. सपोज़ हम बोलते हैं कि ये जो साइड्स जो दोनों साइड हैं ए बी और सी बी उनकी वैल्यू है ए हमें मान ली वैल्यू मान सकते हैं यदि एक की है तो दूसरी ऑटोमेटिकली ए होगी आप के लिखना चाहो तो के के लिख लो ठीक है तो हमने सपोज़ यहाँ पे ए ले लिया थोड़ा लिखने में के से अच्छा लगता है देखने में और कुछ नहीं है हाँ यू कैन टेक एक्स एक्स आल्सो ओके तो ये वैल्यू हमने ली कि ये इसकी साइड ए है तो ये दूसरी साइड ऑटोमेटिकली ए होगी क्यों होगी क्योंकि दोनों बराबर हैं क्यों बराबर हैं क्योंकि इस नाइसोलिस्ट एंगल ई आइसोलिस ट्रैंगल क्योंकि एक एंगल 45 है दूसरा भी 45 है दैट मीनस एंगल बराबर हैं क्लियर यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं वेरी गुड देन बाय पाइथोग्रस्ट थे राइट एंगल ट्राइंगल है ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो पाइथोग्रस ही जाएगा जब हमको दो साइड मालूम है तो हम ए सी मतलब ये क्या हुआ हाईपोर्टन्यूज इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं तो निकाल लो यार ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो हम और इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको और क्या सकते 2A², ये इसकौर इसकौर ले सकते हैं टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर ले लें तो क्या लिखा जाएगा ए सी इजकल टू प्लस माइनस ए रूट टू हम नाइन ये वै, कुछ वैल्यू है माइनस में तो है नहीं तो प्लस ही लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए रूट टू यदि ये ए है ये ए है तो ये ऑटोमेटिकली आएगी ए रूट टू आएगी ठीक है तो हाइपोटेन्यूज हमेशा ये आ गई वैल्यू अब आपको तीनों साइड मालूम है अब आपको पता क्या लगाना था साइन ऑफ टेग्नोमेट्रिक रेशियोज और किस वैल्यू पे 45 डिग्री अब किसी भी एंगल ले लो एंगल ए लो या एंगल सी लो दोनों 45 फोर्टी राइट तो मैं साइन ऑफ एंगल ए लूँ या साइन ऑफ एंगल सी लूँ मैं किसी से भी निकालूंगा दोनों की साइन की वैल्यू सेम ही निकलेगी तो लेट्स टेक सो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ टिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी डेफिनेशन हमको मालूम है तो यदि इस केस में हम क्या बात करें साइन ऑफ़ ए और ए की वैल्यू है फोर्टी फाइव डिग्री या साइन ऑफ सी दैट इज फोर्टी फाइव डिग्री तो साइन ऑफ फोर्टी फाइव बोल सकता हूँ ये हमने पढ़ाई था इनिशियली तो साइन ऑफ़ फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीस और परपेंडिकुलर यहाँ क्या दिया हुआ यदि मैं ए की बात कर रहा हूँ तो उसका परपेंडिकुलर ओपोजिट ए हाइपोटनीस यही है तो वी कैन राइट ए अपॉन ए रूट टू अब देखो ए कट गया तो बचा क्या वन अपॉन रूट टू और यदि मैं साइन 45 यदि साइन ऑफ सी में लेता तो उसमें परपेंडिकुलर क्या होता है ये भी ए होता है ए अपॉन दिस मीन्स परपेंडिकुलर पार्टनिस तो वो भी एग्जैक्टली सेम चीज़ आती है तो उसकी भी वैल्यू क्या आती है वन अपॉन फोर्टी फाइव मीन्स साइन ऑफ ए या साइन ऑफ सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल जहाँ पे ए और सी क्या है फोर्टी फाइव डिग्री तो उनकी वैल्यूज ऑलवेज वन बाई रूट टू ही आएगी तो आपको क्या याद हो गया कि साइन ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री या हम इसको पढ़ते हैं साइन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू डिग्री हम नॉर्मली नहीं बोलते हैं बट स्टिल यू कैन से साइन ऑफ 45 फाइव डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू वन बाई रूट टू तो एक क्वेश्चन रोशन निकलाई फॉर पर्टिकुलर एंगल 45 फाइव डिग्री एंगल के लिए और कौन कौन सी टेग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होती हैं छः होती हैं अगली क्या है कॉस तो कॉस ऑफ 45 फाइव कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाईपुट न्यूज तो क्या होगा बेस इज ए अपॉन ए रूट टू इसको भी ए कट गया तो क्या है वन बाई रूट टू इसलिए हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि साइन ऑफ फोर्टी फाइव इज इक्वल टू वन बाई रूट टू एंड कॉस ऑफ फोर्टी फाइव इक्वल टू वन बाई रूट टू क्लियर ठीक है अब थर्ड टेक्नोमेटर रेशियो क्या होते हैं टेन थीटा तेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा की वैल्यू है फोर्टी फाइव डिग्री तो परपेंडिकुलर यहाँ से ए है बेस क्या है ये भी ए है तो ए बाई ए और ए कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई वन तो टेन ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू वन क्लियर और इनके इन्वर्स निकाल सकते हैं इन्वर्स क्या होते हैं कोसेक थीटा साइन थीटा का ऑपोजिट कॉसेक थीटा मीन्स कॉसेक फोर्टी फाइव डिग्री या मैं इसको लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन थीटा दैट मीस साइन फोर्टी फाइव डिग्री और साइन फोर्टी फाइव दिया वन अपॉन रूट टू और वन अपॉन फोर्टी फाइव डिग्री क्या हो जाएगा रूट टू अपन वन ऐसे लिख सकते हैं दैट मीन्स रूट टू तो cosec फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट टू एक्जैक्टली मैं कॉस्ट थीटा का ऑबोजिट क्या होता है सेक थीटा दैट मीस सेक फोर्टी फाइव लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस्ट फोर्टी फाइव वो क्या वन अपॉन रूट टू होता है ये भी क्या आंसर आ गया रूट टू टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा दैट मीन्स इनवर्स ऑफ टेन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या है वन तो यहाँ वन रख देंगे तो आंसर क्या होगा वन दैट मीन्स कॉट ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री एंड टेन ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री की दोनों की वैल्यू क्या होती है वन वन तो इस तरीके से हमने एक स्पेसिफिक एंगल फोर्टी फाइव डिग्री के लिए सारी टिक्नोमेट्रिक जो रेशोज़ होती हैं उनकी वैल्यूज निकाली लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल इस केस में हम थर्टी डिग्री और सिक्सटी डिग्री को दोनों को एक एक करके वैल्यू निकालेंगे सो दिस इज अवर सेकेंड केस तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थर्टी डिग्री एंड सिक्सटी डिग्री पहले हम थर्टी लिखते हैं राइट ओके कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रैंगल ए बी सी तो ए बी सी इज माई इक्विलेटरल ट्रैगल अब हम इक्विलेटरल ट्रैंगल होता है उसका मतलब क्या होता है सारी साइड्स बराबर सारी साइड्स बराबर मीन्स उनके सारे एंगल्स बराबर यही तो होता है इक्विलेटरल ट्रैंगल क्यों हमने ये इक्विलेटरल ट्रैंगल लिया क्योंकि इससे बनाने से फायदा क्या हुआ यदि इक्विलेटरल ट्राएंगल है दैट मीन्स ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री मीन्स एंगल ए बी सी सारे सब बराबर हैं और 180 एट्टी डिवाइड बाई थ्री दैट इज सिक्सटी तो इसका मतलब किसी भी एक एंगल की बात करूंगा तो वो क्या होगा 60 डिग्री होगा ठीक है इस इससे एक फ़ायदा हुआ इससे फ़ायदा क्या हुआ सो so, अब हम एक ना एक ट्रा एंगल और बनाएंगे सो लेट्स ड्रॉप परपेंडिकुलर ए डी ए से स्टार्ट किया और डी मींस बी सी पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे सो लेट्स ड्रा परपेंडिकुलर तो ये परपेंडिकुलर हुआ जो जिसने बी सी को कट किया डी पॉइंट पर पहला चीज नाउ यदि आप इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें कौन से ट्राइंगल बने ए बी डी एक ये लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड दो ट्राइंगल बन गए इन दोनों ट्राइंगल में ग्रीन और ये येलो में ये ये देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल हम बोल सकते हैं आर दोनों बोथ आर कॉन्ग्रेंट ये साइन क्या होता है कॉन्ग्रेंट का बाई विच रूल बाय एंगल 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 रूल ए ए रूल कैसे बोल सकते हैं इसको ए कांग्रेस रूल ये नाइन्टी तो इसका ये नाइन्टी ये सिक्सटी ये सिक्सटी है इसको मैंने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में तो वो ऑलवेज क्या करता है इस एंगल को बाइसेक करता है तो ये एंगल कितना होगा थर्टी डिग्री का अब चलो भूल जाओ ए डी ने इसको परपेंडिकुलर बाई सेक किया आपको ये मालूम है ये नाइन्टी है ये सिक्सटी है तो रिमेनिंग एंगल कितने का होगा थर्टी यदि रिमेनिंग एंगल थर्टी का होगा तो ये साइड वाला क्या होगा ये भी थर्टी का होगा दैट मीन्स बाय इस लेफ्ट हैंड साइड के तीनों ट्राइ एंगल्स राइट हैंड साइड के एंगल्स के बराबर हैं सो बाय ए कॉन्ग्रेंट रूल नॉट बाय सिमिलरिटी रूल हम सिमिलर भी सिमिलर भी बोल सकते हैं दोनों ट्राएंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है बट एज ऑफ नाउ वी आर कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट मीन्स हंड्रेड परसेंट एग्जैक्ट नहीं है यदि कोई हंड्रेड परसेंट एग्जैक्ट है तो वो सिमिलर तो हो होगा ही होगा ओके okay. यदि ऐसा है इसका मतलब है यदि सिमिलर है तो बी डी जो इक्वल टू होगा डी सी ये जो है साइड इसके बराबर होगी यदि ये इसके साइड के बराबर होगी इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी जो है उसने इस एंगल को बिल्कुल बराबर बराबर कट किया दैट मीन्स दिस एंगल थर्टी इस ये भी एंगल थर्टी होगा एंगल बी ए डी एंगल बी ए डी और सी ए डी दोनों बराबर होंगे ये हमने क्या हुआ कॉन्ग्रेंस रूल के अकॉर्डिंगली हमने पता लगा लिया नहीं तो हम वैसे ही पता लगा रहे थे ये 90 है ये सिक्सटी है तो ये 30 है एग्जैक्टली exactly इसमें ये 90 है 60 तो है, ये 30 होगा क्लियर तो हमको दोनों लेफ्ट हैंड साइड ग्रीन ट्राइंगल और येलो ट्राइंगल के एंगल्स मालूम चल गए हमको पता क्या लगाना है टेक्नोमेट्रिक रेशोज पता लगानी है विद रेस्पेक्ट टू थर्टी डिग्री एंड सिक्सटी डिग्री ओके तो एक एक काम करते हैं सो लेट्स टेक कि हमको ये पता लगाना है राइट right? uh, तो हम एक काम करते हैं कि किसी भी एक साइड को उसकी वैल्यू लेते हैं सपोज़ उसकी जो लेंथ है वो टू है अज्यूम करते हैं यदि ये टू है तो सारी साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सब टू हो गए दैट मीन्स बी जो हो गए इसको हाफ में डिवाइड करें दैट मीन्स ये ए बोल सकते हैं तो ये ए है ये टू ए है राइट right? तो इस तरीके से एक ग्रीन ट्राइंगल के अंदर एक साइड दो साइड तो ये हम तीसरी साइड ए निकाल सकते हैं पता लगा सकते हैं किससे बाई पाइथोग्रस्त थ्योरम और तो उससे हमने निकाला इसकी वैल्यू क्या आ गई ए रूट थ्री तो आप देखो ट्राइंगल इस ट्राइंगल में या राइट हैंड साइड के ट्राइंगल में हमको तीनों साइड्स मालूम है तीनों एंगल मालूम है तो हमको यदि कोई पूछे साइन ऑफ थर्टी निकालो या कॉस साइन ऑफ सिक्सटी डिग्री निकालो तो आप पता लगा सकते हैं वैल्यू दैट मीन्स टिग्नोमेट्रिक रेशियो पता लगाते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन सो बाय यूजिंग द टिग्नोमेट्रिक रेशोज उनकी डेफिनेशन को तो साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होगी साइन थर्टी इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये थर्टी क्या है ये वाला एंगल तो परपेंडिकुलर क्या होगा उसका ये अपॉन हाईपोर्टन्यूज़ तो ए अपॉन टू ए होगी तो विल राइट परपेंडिकुलर हाईपोर्ट्यूज इसकी वैल्यू होगी ए अपॉन टू ए और ए कट जाएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी हाफ़ कि? तो साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है हाफ़ यदि किसी भी ट्राइंगल में यदि एंगल थर्टी डिग्री का है और उसका मैं साइन निकालता हूँ टेग्नोमेट्रिक रेशो साइन थर्टी डिग्री वो एट ऑलवेज विल बी हाफ़ ऐसी कॉस निकालते हैं कॉस क्या होगा बेस अपॉन हाइपुट न्यूज फॉर्मूला ये होता है बेस क्या दिया है देखो कॉस ऑफ थर्टी ये थर्टी है इसका बेस क्या है ये होगा ये इसका परपेंडिकुलर बेस क्या है ए रूट थ्री डिवाइड बाई हाइपुट तो लिख दो ए बाई रूट थ्री अपॉइंट टू है ए ए कट गया तो क्या बचा रूट थ्री अपॉइंट टू तो कॉस थर्टी की वैल्यू होगी टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है इन दोनों को या तो मैं डिवाइड कर दूँ या मेरे को मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर क्या है ए और बेस क्या है ए रूट थ्री तो राइट इट डाउन अपॉन ए रूट थ्री कट गया तो क्या वैल्यू आ गई थ्री वेरी गुड एक्सैक्टलीस की बेस अपॉन्यूसेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो हमको हर एक मालूम है सिक्सटी का बस ये ध्यान रखना जब हम सिक्सटी की बात कर रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा ऑपोजिट अब ये परपेंडिकुलर है ठीक है जब हम थर्टी में बात कर रहे थे उसका परपेंडिकुलर ये था इसलिए देखो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर में ए लिखा यदि मैं सिक्सटी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा ए रूट थी ए इसका परपेंडिकुलर होगा और हाईप्रोटनीस तो टू ए रहेगी ए कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई रूट थ्री अपॉइंट टू सेम वे में कॉस सिक्सटी की वैल्यू निकालेंगे यू विल फाइंड इट इज़ हाफ एंड टेन सिक्सटी की वैल्यू निकालेंगे इट इज़ रूट थ्री तो इस तरीके से हमने टिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑल टाइप ऑफ साइन थीटा कॉस् थी था टेन थीटा और साइन सिक्सटी कॉस सिक्सटी टेन सिक्सटी या इनके कॉस सेक निकालना है सेक निकालना है तो आप निकाल सकते हो राइट right? तो आपने इनकी वैल्यूज ईजीली पता लगा ली कि इनकी वैल्यूज क्या होती है क्लियर सो सेकेंड भी हो गया अब क्या बचा अब बसता है हमारा फोर्टी फाइव का तो कर ही थर्टी एंड सिक्सटी हो गया नाओ जीरो एंड नाइन्टी डिग्री तो दिस द थर्ड केस टेग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ जीरो डिग्री एंड नाइन्टी डिग्री इसको भी पता लगा लेते हैं तो इसके लिए क्या है ना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आपको 90 डिग्री तो मालूम है एंगल बी इज 90 डिग्री राइट आ, हम बोल रहे हैं एक ट्रैंगल है ए बी सी जिसमें एंगल ए जो उसकी वैल्यूज़ है ये वेरी कर रही है है ना अभी हमने 30 डिग्री 45 डिग्री देखा हम कह रहे हैं कि साइन ऑफ़ एंगल ए जब वो ज़ीरो होगा और जब वो नाइन्टी होगा तो उस समय उसकी वैल्यू बताओ पर आप ध्यान से देखो साइन ऑफ एंगल ए इज़ ऑलवेज़ क्या होगा लेस देन 90 डिग्री होगा क्योंकि एक्यूट एंगल है क्योंकि यदि ये 90 है तो बाकी दो एंगल जो होंगे उनका सम 90 है दैट मीन्स इज ऑलवेज एक्यूट तब हम ये वैल्यू निकालें कैसे साइन जीरो साइन नाइन्टी का मतलब क्या हुआ तो इसमें क्या करते हैं ना हम थोड़ा थोड़ा ना ए बी को ए बी को थोड़ा छोटा करते जाते हैं तो देखो ऐसे होगा या उल्टा बोलूं पहले हम जीरो डिग्री से स्टार्ट करते हैं जीरो डिग्री के लिए तो यदि ए की वैल्यू जीरो होनी है तो मुझे क्या करना होगा ए सी को धीरे धीरे करके नीचे लाना होगा अल्टीमेटली वो हॉरिजॉन्टल हो जाए तभी तो जीरो डिग्री होगा इसके ए बी के पहले आ जाए ए सी तो मैं थोड़ा नीचे लाया तो एंगल थोड़ा कम हुआ और देखो मैं थोड़ा नीचे लाऊंगा तो और छोटा होगा मैं और नीचे लाऊंगा तो देखो ये एंगल ए और छोटा हो गया हो रहा है ना एंड अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता जाएगा कि इसकी वैल्यू दोनों ए बी तो मेरा एंगल ए है तो ये सी जो है नीचे आ गया अल्टीमेटली बी के ऊपर कॉन्साइड कर गया एक दूसरे के ऊपर आ गया तो मेरा एंगल क्या होगा उस केस में एंगल मेरा लिटरली जीरो हो गया हुआ या नहीं हुआ ओके यदि जीरो हो गया सो एज एंगल ए गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर द लेंथ ऑफ साइड बी सी डिक्रीज तो हमारा एंगल जैसे जैसे कम हुआ यहाँ से ज़्यादा कम हुआ तो आप ये सी बी या बी सी की साइड देखेंगे तो ये वाली साइड मेरी लिटरली क्या हो गई आते आते यहाँ जीरो हो गई तो यदि एंगल ऑफ़ ए बोलूंगा तो मेरे को यदि साइन थीटा पता लगाना है तो उसका परपेंडिकुलर तो यही साइड थी और परपेंडिकुलर क्या होगी मेरी वैल्यू अब ये एक दूसरे के ऊपर आ गई तो वैल्यू ज़ीरो हो गई होगी कि नहीं होगी और हाप ट्यूज यदि कोई बोलेगा तो वो किसके बराबर होगी ए बी के बराबर होगी एग्जैक्टली सेम हो गया राइट exactly right? तो यदि मैं जीरो डिग्री पे यदि मेरे से आपसे पूछते हैं तो आप ये कह सकते हो कि सी जो है मोर ओलेस बी के ऊपर आ गया एग्जैक्टली exactly क्लोजर आ गया ना बिल्कुल या जीरो डिग्री पर हंड्रेड परसेंट ऊपर आ गया सो फाइनली एंगल ए बिकम जीरो इस केस में जीरो हो गया एंड ए सी बिकम्स ऑलमोस्ट ए बी ए सी जो यहाँ से यहाँ तक थी देखो ये ए सी यही थी लेफ्ट में देखो तो अब ये धीरे धीरे कम होती गई कम होती गई अल्टीमेटली ए बी के बराबर हो गए यही मैं बता रहा हूँ और यदि ऐसा है तब मैं आपको बोल सकता हूँ साइन ज़ीरो मीन साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू निकालो क्या होगा आप फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर ऑफ़ हार्ट न्यूज़ परपेंडिकुलर यदि लास्ट वाले में देखो मेरा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी जीरो तो परपेंडिकुलर जीरो हो गए हाइप क्या होगी ए बी के बराबर राइट right. सो so, तो पहले यदि हम लेफ़्ट वाले के हिसाब से लिखें तो आई कैन राइट सी बी अपॉन परपेंडिकुलर पर्टनी ए सी ये लिखेंगे या बी सी अपॉन ए सी ये लिख सकते हैं बी सी की वैल्यू यदि लास्ट में हों जब ये जीरो डिग्री एंगल अभी यहाँ पे कुछ वैल्यू हो और यहाँ आते आते लास्ट में क्या हुआ जीरो हो गया दैट मीन्स मेरी बी सी की वैल्यू क्या होगी जीरो तो कोई राइट अकॉर्डिंगली जीरो और मेरा हाई की वैल्यू क्या होगी इसके बराबर हो गया ए बी तो आई कैन राइट ए सी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ अब जीरो अपॉन समथिंग उसका मतलब क्या होता है इट्स जीरो किसी भी नंबर के नीचे कोई भी नंबर हो यदि ऊपर जीरो है तो इट्स वैल्यू इज जीरो तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है ऑलवेज़ ज़ीरो सेम वे में कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस क्या होता है बेस अपॉन है अब इसको देखो तो बेस में कैसे मैं लिखूँगा बेस क्या है ए बी अपॉन ए सी तो राइट ए बी अपॉन ए सी अब जब जीरो डिग्री बात करूंगा तो राइट right वाले को देखो तो ए बी की वैल्यू क्या हुई ए बी ए बी मेरी क्या है ए बी तो ए बी तो ए बी है और ए सी की वैल्यू क्या हुई ए सी मीन्स हाईपोर्ट न्यूज वो भी ए बी के बराबर होगी तो आई कैन राइट ए बी अपॉन ए बी ए बी ए बी कट गया तो क्या आंसर आया वन तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है इज ऑलवेज़ वन मीन्स मेरा ये एंगल जब ज़ीरो हो जाएगा उस समय साइन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और कॉस की वैल्यू वन हो जाएगी और जब मुझे साइन और कॉस की वैल्यू मालूम है तो मैं टेन की वैल्यू निकाल सकता हूँ मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स जीरो अपॉन वन आई कैन राइट साइन ज़ीरो अपन कॉस जीरो या आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर क्या है देखो यहाँ पे जीरो है बेस की वैल्यू क्या है ए बी है राइट तो आप निकाल सकते हो उससे या आप सिंपल याद रखो साइन टैन थीटा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन की वैल्यू जीरो है दिस इज़ वन तो इट्स वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट वन और जीरो पॉइंट वन इस मीन्स ज़ीरो तो टेन जीरो की वैल्यू भी क्या होगी हो ज़ीरो होगी अब जब कोई साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा मालूम है तो इसके के इन्वर्स की वैल्यू भी आप इजीली निकाल सकते हो क्लियर है चलो एक कॉट की निकाल लेते हैं कॉट थीटा क्या होता है इन्वर्स ऑफ टेन थीटा इन्वर्स ऑफ टेन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस की वैल्यू क्या थी वन साइन की जीरो थी तो क्या हो गया वन अपॉन जीरो और किसी भी नंबर के नीचे यदि जीरो होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी मीन्स ये जो साइन है लेटा हुआ एट इसको बोलते हैं इन्फिनिटी मीन्स इनफाइनाइट वैल्यू हो गई उसकी ठीक है जब किसी भी नंबर को मैं जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है इन्फिनी और लेटा हुआ एट दिखा देते हैं राइट right? उसको पढ़ते हैं इन्फिनिटी ओके वेरी गुड्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट 90 डिग्री टिकनोमेटिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री 90 डिग्री के लिए क्या करते हैं हम इस पर अपोजिट करेंगे सेम ट्राइंगल लिया अब ए को मेरे को 90 करना है तो 90 करने के लिए मेरे को क्या करना है ए सी को मेरे को थोड़ा ऐसे ऐसे करके वर्टिकल करना होगा तभी ये 90 से कम है तभी तो होगा ऐसे घुमाऊंगा तो इसको यदि मेरे को 90 करना है तो मैं क्या करूँगा इसको पास लाता जाऊँ अब मैंने देखो इसको पास लाया तो ये प्रीवियस एंगल से ये एंगल ये बड़ा हो गया थोड़ा थोड़ा और पास लाया ये की वैल्यू और बढ़ गई और पास लाया देखो ए और बड़ा हो गया मीन पहले वाले ए से बढ़ता जा रहा है और अल्टीमेटली क्या हुआ ये जब इसके बराबर आ गया ए बिल्कुल कॉन्साइड कर गया बी पर तब मेरा जो एंगल होगा वो नाइन्टी हो गया इस तरीके से आप समझो सेम चीज़ है तो जो हमने पहले लिखी थी तो वही चीज़ है राइट अब यदि ये बिल्कुल इस स्पेस नाइन्टी डिग्री हो गया तो यदि मैं आपको पूछूँ साइन नाइन्टी तो क्या होगा फार्मूला परपेंडिकुलरपॉन हाइपोटन्यूस अब लेफ्ट साइड में पहले देखो एज साइन ऑफ एंगल ए ये इसका परपेंडिकुलर क्या है सी भी। और हाइपोटन्यूस क्या है ए तो लिखो या बी सी अपॉन ए सी। लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूस अब राइट में देखो जब ए की वैल्यू यहाँ पे तो कुछ वैल्यू है कि अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री हो गई जब बिल्कुल 90 हो गई तो 90 होने पे हुआ क्या मेरा परपेंडिकुलर सी बी तो सी बी रहा या बी सी तो बी सी रहा बट ए सी जो था हाईपोर्ट क्या हुआ इस केस के अंदर बराबर किसके हो गए सी बी के बराबर या बी सी के बराबर तो इट विल बी आई कैन राइट दिस बेस सी बी अपॉन सी बी या बी सी अपॉन बी सी कैसे ही पढ़ो ऊपर से नीचे पढ़ो या नीचे से ऊपर पढ़ो बराबर हो गए यदि ये दोनों बराबर हो गए दोनों कट गए तो साइन ऑफ नाइन्टी डिग्री क्या हो गया वन एक्जैक्टली सेम में यदि मैं क्रॉस 90 दिखा लूँगा बेस अपॉन हाइट न्यूज़ यदि मैं लेफ्ट साइड में देखूँ बेस क्या है ए बी अपॉन हाइट न्यूज ए सी सो आई कैन राइट ए बी अपॉन ए सी अब राइट हैंड साइड में देखो जब ये 90 डिग्री हो गया तो ए बी की वैल्यू कह रही ए यहाँ तक और बी अब बिल्कुल बराबर हो गया निकली इस जीरो हो गई जीरो हो गई ना क्योंकि तो ए और बी क्या हो गया कौन साइड कर गया तो ए बी तो जीरो हो गया और ए सी किसके बराबर हो गया सी बी के बराबर तो राइट डाउन जीरो अपॉन सी बी और जीरो अपॉन कुछ भी चीज़ होती है तो क्या आंसर होता है जीरो दैट मीन्स कॉस नाइनटी की वैल्यू क्या जीरो टेन आपको मालूम है साइन नाइनटी अपॉन कॉस नाइनटी साइन नाइनटी अपॉन कॉस नाइनटी इसकी वैल्यू वन इसकी वैल्यू जीरो तो वन अपॉइन्ट जीरो और वन अपॉइंट जीरो क्या होता है किसी भी नंबर के जीरो दैट मीन्स इट इज इन्फाइनइट इन्फिनिटी और यदि कॉट पता लगाना है इट्स अपोजिट ऑफ टेन दैट मींस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दैट कॉस नाइनटी अपॉन साइन नाइनटी राइट कॉस की वैल्यू क्या है जीरो अपॉइन वन करोगे तो जीरो वन लिखो और किसी नंबर के ऊपर यदि जीरो है नीचे वन है तो इसका मतलब ही क्या हुआ जीरो दैट वे टिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर जीरो डिग्री एंड नाइन्टी डिग्री वी हैव फाइंड आउट तो हमने जितने भी एंगल्स थे जीरो डिग्री थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी एंड नाइन्टी डिग्री सबकी हमने यहाँ वैल्यू निकाली बट एक क्वेश्चन आता है अब आपको याद कैसे रहेगा कि साइन नाइन्टी की वैल्यू वन होती है जो मैं आपको पहले बोल रहा है जो आपको याद रखनी है या कॉस नाइन्टी जीरो होती है बड़ा कन्फ्यूजिंग है ना ऐसे सॉल्व करने में तो ईजी हो गया राइट पर याद कैसे रखूँगा याद कैसे रखूंगा तो मैं एक आपको आइडिया देखता हूँ तो तरीका बताता हूँ सो हाउ टू रिमेंबर ऑल टिक्नमेटिक रेशोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स सो हम किस स्पेसिफिक एंगल्स की बात कर रहे हैं हम वही स्पेसिफिक एंगल्स जो अभी हमने पढ़े दैट मीन्स जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी एंड नाइन्टी डिग्री और क्या याद रखना है हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन जीरो की वैल्यू साइन थर्टी की वैल्यू साइन फोर्टी फाइव साइन सिक्सटी साइन नाइनटी एंड एक्जैक्टली सेम वे में कॉस की और टेन की डिफरेंट एंगल पे क्या वैल्यू होती है अभी जस्ट हमने निकाला था प्रीवियस स्लाइड में क्या निकाला था साइन जीरो इज ऑलवेज जीरो राइट अब हम निकालने की बात नहीं कर रहे अब हम याद करने की बात बातें हाउ यू विल रिमेंबर तो साइन जीरो की वैल्यू ऑलवेज ये याद रखो कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 होती है हमेशा जीरो होती है सेम वे में साइन यदि 90 डिग्री होगा थीटा के तो की वैली 90 होगी तो साइन 90 की वैल्यू होती है ऑलवेज वन और मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि साइन की जो साइन थीटा की वैल्यू जीरो से लेके 90 के बीच में आप वैल्यू देखेंगे वो जीरो से लेके वन के बीच में ही वेरी करती हैं मीन्स वन से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती और जीरो से कम नहीं हो सकती दैट मीन्स जो बाकी बचे थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी इनकी वैल्यूज़ इन बिटवीन होगी और अभी हमने फोर्टी फाइव की डिग्री पर निकाला था साइन फोर्टी फाइव कितना निकाला था वन अपॉन रूट टू और यदि आप वन अपॉन रूट टू की वैल्यू निकालें तो हमको रूट टू की वैल्यू तो मालूम है वन पॉइंट फोर वन फोर ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी और यदि मैं बोलूँ नहीं याद है तो याद रख लो बहुत काम आएगी रूट टू इजकल टू वन पॉइंट फोर वन फोर इसका वन अपॉन रूट टू कर दूंगा तो क्या होगा जीरो पॉइंट सेवन ज़ीरो सेवन राइट तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ वन अपॉन रूट टू की जगह जगह कम है तो जस्ट राइट पॉइंट सेवन सो राइट इट डाउन पॉइंट सेवन तो जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि साइन की वैल्यू जीरो और वन के बीच में वैरी करेंगी तो हमारी फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉन रूट टू देट मीन्स पॉइंट सेवन विच इज़ लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो तो क्या हम बोल सकते हैं याद रखने के लिए कि जो साइन की वैल्यू होते हैं दे आर ऑलवेज़ इन राइजिंग ट्रेंड मीन्स जीरो डिग्री पे जीरो होगी थर्टी पे थोड़ी और ज़्यादा होगी फोर्टी फाइव पर थोड़ी और ज़्यादा होगी सिक्सटी पे ज़्यादा एंड नाइन्टी में इट विल बी वन यदि मैं ट्रेंड की बात करूं, तो ट्रेंड इज इंक्रीजिंग ट्रेंड क्लियर है इंक्रीजिंग ट्रेंड मतलब कोई भी चीज़ जो राइज कर रही होती है आप कैसे रखोगे राइजिंग ट्रेंड साइन का राइजिंग ट्रेंड होता है तो साइन कहते हैं ना शाइन ऐसे ऐसे को शाइन कर रहा है अरे आपका फेस तो आज बहुत शाइन कर रहा है चमक रहा है हम बोलते हैं ना सूरज आज बहुत ज़्यादा चमक रहा है तो ऐसे ही याद रखने का साइन मीन्स चमकेगा मीन्स राइज़ करेगा और जब कोई चीज़ चमक रही होती है जैसे सन राइज करता है मींस नीचे से ऊपर उठता है सुबह बहुत नीचे होता है एंड द सन राइज इन द ईस्ट हम बोलते हैं ना धीरे नीचे से उठता है ईस्ट से उठता है, बढ़ता जाता है ऊपर होता जाता है तो इट राइजेस तो जब सन राइज करता है तो वो ऊपर उठता है तो वो और शाइन करता है दैट मीन्स हम साइन की बात करते हैं साइन थीटा की बात कर रहे हैं और हमने क्या बोला इसकी वैल्यू जीरो से लेके वन के बीच में वेरी करती हैं अभी हमने फोर्टी फाइव की देखी ली पॉइंट सेवन लेट्स चेक द थर्टी थर्टी डिग्री साइन थर्टी डिग्री की अभी हमने वैल्यू निकाली थी इट वॉज़ वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू मीन्स क्या हुआ पॉइंट फाइव हाफ देखो पॉइंट सेवन से ये कम है जीरो से ज़्यादा है दैट मीन्स मैं यदि सिक्सटी की वैल्यू निकालूंगा तो पॉइंट सेवन से ज़्यादा होगी पर वन से कम होगी क्योंकि इट इज़ इन राइजिंग ट्रेंड ये भी याद रखना है और यदि हमने ये रखा है तो ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और हमें अपनी साइन सिक्सटी की वैल्यू जस्ट प्रीवियस स्लाइड में प्रूव की थी वो कितनी वैल्यू थी रूट थ्री या टू अब आपको रूट थ्री की वैल्यू याद है नहीं याद है कोई बात नहीं इट इज़ ऑलवेज़ वन पॉइंट सेवन थ्री टू एंड वन पॉइंट सेवन थ्री टू को यदि मैं टू से डिवाइड कर दूंगा यू विल गेट यू विल गेट जीरो देखो जीरो और वन का मतलब क्या होता है वन पॉइंट जीरो मीन्स टेन हो गया पूरा तो इट इज़ हैंस प्रूव कि द वैल्यूज ऑफ थीटा आर इज इन राइजिंग ट्रेंड इंक्रीजिंग होती है ऐसे स्टेट नहीं बढ़ती एकदम करेक्ट बिल्कुल मैं बोलूं तो एक्चुअली वो दिए जीरो से स्टार्ट होती है और वन तक जाती है मीन स्ट्रेट लाइन में नहीं है इट्स नॉट लीनियर आप देखो ना लीनियर नहीं हो रहा है कि जीरो और वन फोर्टी फाइव हाफ है तो इसकी वैल्यू हाफ आनी चाहिए थी राइट right? जबकि हाफ थर्टी पे आ गई तो ये चीज़ क्या है इट इज़ नॉट लीनियर इट इज़ स्लाइटली कर्व में वैल्यूज़ धीरे से ऐसे बढ़ती है फिर ऐसे होती है इसलिए अनदर चीज़ जो याद रखनी है कि फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू हाफ नहीं होती है बीच में नहीं होती है इट्स ऑलवेज वन बाई रूट टू तो आपको क्या रखना है जीरो डिग्री और वन डिग्री फॉर साइन की मिनिमम जीरो रहेगी मैक्सिमम किसी भी एंगल के लिए निकालोगे नाइन्टी पे होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी इन बिटवीन एंगल्स में ऑलवेज इन बिटवीन होगी फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होगी वन अपॉन रूट टू होगी उससे पहला वाला होगा हाफ़ और उसके बाद वाला होगा रूट थ्री अपॉइन टू तो सब में देखो बाकी जितने बचे सब में टू टू तो है ही नीचे बस बीस वाले में रूट टू है यहाँ वन है यहाँ रूट थ्री है तो यदि आपको कन्फ्यूज़न हो जाए ये हाफ पहले होगा या बाद में तो आप याद रखो रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन सेवनटीन होती है सेवनटीन डिवाइड बाई टू क्या होगा एटी होगा ना पॉइंट एट राइट वन पॉइंट सेवन है तो पॉइंट एट हो गया तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो तो साइन की क्लियर हो गई ओके सो लेट्स अबाउट कॉस कॉस की वैल्यू क्या होगी कॉस की वैल्यू का पहला रूल वैल्यूज आर आर इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ साइन थीटा जो भी साइन थीटा की वैल्यू है उसका एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर होता है दैट मीन्स कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी जो साइन 90 की वैल्यू की होगी दैट मीन्स वन तो कॉस ज़ीरो पे क्या आ गई वन वन के बाद क्या 60 की वैल्यू क्या है यहाँ 60 है तो 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट थ्री बाई टू फोर्टी तो सेंटर में ही है तो वन अपॉन रूट टू ये अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा भी था ये क्या होगा थर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर हाफ और ये जीरो के इधर आ जाएगा इधर तो देखो ये राइट right से ऐसे कली और ये उल्टा हो गई बिल्कुल दैट इज़ कॉल्ड द रिवर्स ऑर्डर दैट मीन्स कॉस की वैल्यू राइजिंग में नहीं होती है मैक्सिमम वैल्यू से उसकी मिनिमम वैल्यू होती है विच इज़ ऑपोजिट ऑफ साइन ठीक आप यदि कोई पूछे टेन थीटा टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है तो आपको याद है टेन टीटा होता है साइन थीटा पन्न कॉस थीटा यदि आपको साइन की याद है और उसके रिवर्स क्या है कॉस होता है और यदि आपको साइन की जीरो होता है तो कॉस क्या होगा वन होगी ये जीरो है तो ये वन होगी नाइनटी में ये वन है तो ये ज़ीरो होगी ठीक है फोर्टी फाइव में दोनों बराबर होती हैं अब यहाँ से निकाल लो देखो साइन थीटा जीरो अपॉन वन तो जीरो अपॉन वन की वैल्यू क्या हुई किसी भी नंबर के नीचे वन होगा तो वैल्यू जीरो एग्जैक्टली थर्टी की निकालो वन अपॉन रूट टू और रूट थ्री अपॉइट टू क्या बनेगी बची वैल्यू रूट थ्री सॉरी वन अपॉन रूट थी कॉस थीटा है नीचे वन अपॉन रूट और वन अपॉन रूट क्या वन अपॉइन्ट वन अपॉन रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री है वन अपन रूट थ्री निकालोगे पॉइंट फाइव सेवन सेवन तो आई कैन से इट्स पॉइंट फाइव या पॉइंट फाइव सेवन ठीक है फोर्टी फाइव पे क्या ये साइन भी एक है कॉस भी एक है दोनों सेम है तो टेंथ फोर्टी फाइव डिग्री क्या होगी इट्स ऑलवेज वन सिक्सटी पे क्या हो गया दिस डिवाइड बाय दिस तो दिस डिवाइड बाय दिस के बचा रूट थ्री रूट थ्री की वैल्यू क्या थी वन पॉइंट सेवन तो ये वन पॉइंट सेवन हो जाएगी एंड नाइन्टी पे देखो साइन नाइन्टी वन अपॉइंट जीरो वन अपॉइंट जीरो मीन्स क्या होता है इनफाइनाइट हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले नंबर डिवाइड बाई इज कॉल इन्फाइनेट ये जो साइन होता है साइन ऑफ सिंबल ऑफ इन्फिनीटी मीन्स अनंत तक वैल्यू होगी तो मीन्स याद रखो टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है एंड इट वेंट अप टू इन्फिनिटी इन्फाइनट तक चली जाती है और उसकी वैल्यू वन कब होती है जब कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बराबर और वो कब होती है फोर्टी फाइव डिग्री पे तो आपको याद रखने का तरीका ये जीरो ये वन ये इन्फाइनेट ये दो याद रखो और इन बिटवीन की वैल्यू वन अपॉन रूट थी और रूट थ्री होती है वन अपॉन रूट थी पहले आएगा कि रूट थ्री बाद में आएगा तो क्या रखना है अगेन इट इज़ एन राइजिंग ट्रेंड क्योंकि साइन ऊपर है तो साइन का ट्रेंड हमेशा राइजिंग है तो टेन थीटर का क्या होगा राइजिंग ट्रेंड होगा जीरो से इन्फिनीटी तक इन बिटवीन वन तो वन अपॉन रूट थी पहले आएगा रूट थ्री बाद में आएगा ये याद रख सकते हो वेरी गुड ओके नाउ हमें मालूम चल गया इतना चीज़ें तो अब और कुछ बचे क्या बचे कॉसेक् थीटा सेक थीटा एंड क्वाट थीटा कॉसेक थीटा याद है सी है तो इन्वर्स ऑफ साइन तो यू कैन से वन अपॉन साइन थीटा मीन्स कॉशेक्ट थीटा तो हमको साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली तो कॉसेक् थीटा की क्या होंगे इनकी इन्वर्स और जीरो का इन्वर्स क्या होगा जीरो अपॉन वन है तो वन अपॉइंट जीरो और वन अपॉइंट जीरो मीन्स इन्फाइनिट एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो हमने नीचे लिखा इज इन्फिनिटी नेक्स्ट वैल्यू कॉसेक्ट 30 डिग्री कॉसेक्ट 30 डिग्री इज़ इनवर्स ऑफ साइन थीटा मीन्स वन अपॉन टू का उल्टा मीन्स टू अपॉन वन देट मीन्स टू वन अपॉन रूट टू का उल्टा रूट टू रूट थ्री अपॉन टू का उल्टा टू अपॉन रूट थ्री और ये वन अपॉन वन है तो आंसर इज वन देट मीन्स कॉसेक् थीटा की जो वैल्यू होती हैं वो इन्फिनिटी से लेकर वन के बीच में वेरी करती हैं ठीक क्या ये याद रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपको साइन थीटा की वैल्यू यदि याद है तो वन अपॉन साइन थीटा आपको मालूम है कॉ थीटा होता है तो इसलिए ये सब वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है तो आपने जस्ट निकाल लिया सेम वे में यदि मैं सेक्क थीटा बोलता हूँ तो उसका इन्वर्स कहता है वन अपॉन कॉस् थीटा मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू का इन्वर्स तो ये वन अपॉन वन क्या होगा वन रूट थ्री अपॉन टू है तो टू अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट टू इज रूट टू हाफ का मीन्स टू अपॉन वन टू और जीरो अपॉन वन मीन्स वन अपॉन जीरो दैट मीन्स अगेन इन्फिनिटी तो आप ये देखेंगे कॉसेक थीटा या सेक थीटा ये इनवर्स हैं एक दूसरे के वन अपॉन साइन थीटा वन अपॉन कॉस थीटा पर एक दूसरे की वैल्यूज़ क्या रिवर्स हैं देखो ये थीटा ये इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी ये टू है तो ये टू तो, ये, ये वन बाई रू टू तो मीन्स तो बिल्कुल एक्जैक्टली जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा बिहेव करते हैं रिवर्स ऑर्डर में ऐसी कॉसेक थीटा और सेक थीटा उनकी वैल्यू क्या होती है एक दूसरे के रिवर्स ट्रेंड में होती है यदि आपको एक की मालूम है तो उसका रिवर्स स्टैंड आपका सेक्ट थीटा होगा और कॉट थीटा क्या होगा जो टेन थीटा का अपोजिट इनवर्स वन अपॉन टेन थीटा अब ये जीरो अपॉन वन है तो हम क्या लिखेंगे वन अपॉन जीरो मीन्स इन्फिनिटी ये वन अपॉन रूट थ्री है तो क्या हो जाएगा रूट थ्री ये वन तो वन ही रह जाएगा ये रूट थ्री है तो क्या होगा वन अपॉन रूट थ्री नाउ द लास्ट वन इज़ इन्फिनिटी इन्फिनिटी मीन्स वन अपॉइंट जीरो तो ये क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन मीन्स ज़ीरो इस तरीके से यदि कॉट की वैल्यू देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू टेन एक्चुअली ये दे आर रिवर्स जीरो से इन्फिनिटी ये इन्फिनी से जीरो बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं राइट तो इस तरीके से हमको सारी की सबकी वैल्यू हमने निकाल ली और हमें याद भी हो गई बट इतना सारा देख के आप बोलोगे सर हम तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए तो आपको मैं क्या बोलूँगा कि आप बेटा इन सब नीचे वालों को भूल जाओ आपको सिर्फ एक चीज़ याद नहीं है किस की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू और साइन थीटा का याद करने का मैंने आपको तरीका बताएगा साइन इज़ अ शाइनिंग वन मीन्स शाइन कोई चीज़ करती है सूरज साइन करता है तो वो राइज करता है तो मीन्स साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीजिंग ट्रेंड में होते हैं राइजिंग ट्रेंड होता है मिनिमम वैल्यू जीरो होती है मैक्सिमम वन होती है और जो राइजिंग ट्रेंड होता है स्ट्रेट लाइन में नहीं होता वो क्या होता है कर फॉर्म में होता है दैट मीन्स जो हाफ फोर्टी फाइव डिग्री होगा उसकी वैल्यू हाफ नहीं होगी जीरो और वन के बीच में इज़ ऑलवेज़ वन बाई रूट टू उससे पहले हाफ़ होगा उसके बाद रूट थ्री बाई टू होगा यदि आपको ये याद है कॉस की वैल्यू अपने आप याद है, क्योंकि वो रिवर्स ऑर्डर में होती है, ऑपोजिट यदि ये ज़ीरो है तो वो वन होगी यदि ये, ये वन है तो वो ज़ीरो होगी इन बिटवीन हाफ वन बाई फोर्टी फाइव वन बाई फोर्ट वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू फोर्टी फाइव डिग्री साइन की है कॉस की निकलाई कॉस और साइन मालूम है तो टेन आपको मालूम ही है साइन थी कॉस तो सब निकल गए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको सब वैल्यूज पर करेक्ट निकलेंगे एंड धीरे धीरे जब टेंथ से इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास में आओगे तो आपको साइन थीटर क्रॉस थीटर टेंथ थीटा की अपने आप ही वैल्यू याद हो चुकी होंगी बट टू स्टार्ट विथ दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर ओके और यदि आपको ये याद है तो लेट्स सी कि हम कैसे यूज़ करेंगे इसको सो एग्ज़ाम्पल नंबर सिक्स इन ट्राएंगल ए बी सी वेर इज द ट्राएंगल दिस इज द ट्राएंगल ए बी सी इज अ ट्राएंगल एंड इट इज़ द राइट एंगल डेट बी मीन्स बी जो है नाइन्टी डिग्री है ए बी इज इक्ल टू फाइव सेंटीमीटर दिस इज फाइव सेंटीमीटर एंगल ए सी बी ए सी बी ये जो एंगल है एंगल सी बोले वो उसकी वैल्यू दी है थर्टी डिग्री डिटरमाइन द लेंथस ऑफ द साइड बी सी एन ए सी बी सी और ए सी की लेंथ बता दो इस ट्राइंगल में दो चीज़ें सिंपल दी हुई हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है सी एंगल थर्टी डिग्री का है उसकी अपोजिट साइज फाइव सेंटीमीटर है बाकी दोनों साइड्स आप बता दो कैसे बताओगे बाय यूज़ ऑफ टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ तो हम इसमें क्या करेंगे तो लेट्स सी टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड बी सी वी चूज़ द टिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्विंग बी सी एंड द गिवन साइड ए बी ए बी और बी सी को हम यूज़ करेंगे क्यों यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये दिया हुआ है ये हमें मालूम है और ये साइड क्या है ध्यान से देखो ये 30 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट ये ए बी क्या होगी परपेंडिकुलर तो दैट मीन्स द एडसन साइड क्या होगा उसका बेस सिंस बी सी इज़ द एडसन साइड ऑफ सी एंड ए बी इज द अपोजिट साइड ऑफ सी तो वी कैन से कि दिस इज़ परपेंडिकुलर दिस इज़ बेस एंड इफ दैट इज़ द केस तो हमको कौन सी टिग्नोमीटर की रेशो यूज़ करनी पड़ेगी टेन थीटा तो वी कैन से द टेन ऑफ सी मीन्स जो ये एंगल है एंगल सी का तो ए बी अपॉन बी सी मीन्स होता है टेन सी इस टैंगल के अंदर और अब इन से में हमको सी की वैल्यू भी दी है ए बी की वैल्यू दी है फाइव सेंटीमीटर बी सी हम निकाल सकते हैं तो लेट्स पुट दोज वैल्यूज तो टेन थर्टी डिग्री अपॉन फाइव अपॉन बी सी टेन थर्टी की आपको वैल्यू मालूम ही है क्या होती है वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू फाइव अपॉन बी सी सो यहाँ से बी सी की वैल्यू निकलेगी पर द क्वेश्चन इज़ कि सर आप मेरे से पूछेंगे कि सर हमने तो टेन थर्टी की वैल्यू याद ही नहीं हमने डायरेक्ट आपने वन वन अपॉन रूट थ्री लिखी आपने तो बोला खाली साइन याद रखो देखो मैंने क्यों बोला लेट्स थोड़ा यहाँ स्टॉप करते हैं टेन थर्टी को यदि मैं लिखूँ तो दिस टेन थर्टी टेन थर्टी को मैं लिख सकता हूँ साइन थर्टी अपॉन कॉस थर्टी ये तो आपको याद ही है ओके okay. मैंने बोला था साइन थर्टी की वैल्यू आपको याद होगी तो हमने साइन थर्टी की वैल्यू क्या देखी थी इज़ हाफ फोर्टी फाइव से कम है दैट इज़ हाफ तो साइन थर्टी की वैल्यू हाफ होती है कॉस थर्टी क्या होगा जो साइन थर्टी की सिक्सटी की वैल्यू होगी वही होगी क्योंकि साइन थर्टी रिवर्स ऑर्डर में होते हैं तो साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री अपॉइंट टू अब आपको साइन सिक्सटी की वैल्यू मीन्स साइन सिक्सटी बोलूँ या कॉस थर्टी बोलूँ मतलब एक ही है तो आपको साइन की वैल्यू मालूम है कॉस की वैल्यू मालूम है तो आप इसमें रखो टेन थर्टी की वैल्यू क्या जाएगी तो ये जो आप मैं लिख रहा हूँ तो हाफ अपॉन रूट थ्री अपॉइंट टू हाफ ऑफ कट गया क्या बचा वन अपॉन रूट थे तो आप इसको यहाँ जो लिख रहा हूँ मैंने लिखा है आपको आप दिमाग में भी कर सकते हैं कि साइन थर्टी क्या होता है हाफ कॉस साइन सिक्सटी क्या होता है रूट थ्री बाउंडी क्योंकि सिक्सटी क्यों लिखेगा क्योंकि कॉस थर्टी की वैल्यू क्या होती है रिवर्स वाली होती है इसलिए मेरे को यहाँ थर्टी की जगह क्या लेना होगा साइन सिक्सटी की वैल्यू लेनी होगी और ये आप यदि दिमाग में रखोगे तो वन अपॉन रूट थी और जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल ना प्रैक्टिस भी करोगे ना तो आपको टेन थर्टी की वैल्यू अपने आप ही याद हो जाएगी वन अपॉन रूट थी बट यदि आप कंफ्यूज हो तो जो मैंने आपको बताया है खाली साइन की उससे आप वैल्यू निकाल सकते हो ओके okay? so, so, तो नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन सो वन अपॉन रूट थ्री इजिकल टू फाइव वन बी सी ठीक तो बी सी की वैल्यू वी कैन से बी सी इजिकल टू फाइव रूट थ्री और फाइव रूट थ्री यूनिट किसमें दिए सेंटीमीटर में तो वी कैन से इट इज़ इन सेंटीमीटर तो हमको बी सी की वैल्यू मालूम चल गई दिस साइड सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी यदि ए सी निकालना है तो हमको दो साइड मालूम है ये और ये दिस इज़ वॉट हाईप्रोटन्यूज तो हम पाइथोग्रोस चरम से निकाल सकते हैं एक या मुझे ये साइड मालूम है और ये है तो साइन ऑफ थर्टी लूंगा तो क्या होगा परपेंडिकुलर ओपन हाइप्रोटनीस तो साइन थर्टी इज़ ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं और साइन थर्टी की वैल्यू अभी आपने निकाली थी हाफ अपॉन फाइव अपॉन ए सी तो ए सी की वैल्यू निकलाई दैट मींस हाईपोटन्यूज नहीं टेन सेंटीमीटर तो मुझे इसकी वैल्यू मालूम चल गई तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यू निकाल ली आप चाहते तो अल्टरनेटली जो हम क्या था हमको दो वैल्यू जब मालूम चलिए तीसरी हम पाइथोग्रस आराम से निकाल सकते थे इजीली क्या ए सी इजी कल्टी हुआ था द स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज बेस ऑन परपेंडिकुलर स्क्वायर का सम और इसमें आप ये वैल्यू रखोगे ये वैल्यू रखो देन यूड फाइंड इट कम्स आउट टू बी टेन सेंटीमीटर तो आप पाइथोग्रासम यूज़ करो या स्टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करो आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो क्लियर ओके वेरी गुड लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल दिस इज एग्जांपल नंबर सेवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर तो पी क्यू आर इज़ अ ट्रायंगल वेयर क्यू इज़ 90 डिग्री और उसकी दो साइड दी है पी क्यू वैली थ्री सेंटीमीटर पी आर मीन्स ये क्या है पुटनीस वैली दी हुई है सिक्स सेंटीमीटर एंड वी हैव टू डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर क्यू पी आर मींस ये एंगल एन एंगल पी आर क्यू मीन्स ये एंगल ये दोनों एंगल हमको पता लगाने हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे तो विल राइट द सोल्यूशन दिस वे गिवन पी क्यू इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर पी आर इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर ये हमको दिया हुआ है एंड यदि ये दिया हुआ है तो यदि इस ट्रैंगल में देखेंगे और इस्पेशली मैं इस साइड को देखूँ मीन्स इस एंगल को देखूँ विच एंगल पी आर क्यू को देखूँ तो इस एंगल के ऑपोजिट क्या है इसका परपेंडिकुलर ये क्या हुई ही? इसकी हाइपोटनर पी क्यू अपॉन पी आर क्या होता है ये साइन ऑफ आर साइन थीटा दैट मीन्स यहाँ क्या एंगल आर तो आई कैन से पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू साइन ऑफ आर एंगल आर एंड इफ दैट इज अ केस पी क्यू और पी आर की वैल्यू दी हुई है लेट्स पुटेड सो वी कैन से साइन आर की वैल्यू होगी थ्री अपॉइन्ट सिक्स इसको आप सॉल्व करोगे इट इज़ हाफ एंड वी नो साइन आर इज इक्वल टू हाफ़ तो उस केस में आर जो होता है एंगल की वैल्यू कितनी होगी थर्टी डिग्री क्यों थर्टी डिग्री बोल रहा हूँ बिकॉज़ वी नो साइन थर्टी की वैल्यू होती है हाफ़ तो मीन साइन थर्टी की जगह मैं यहाँ हाफ ये जो लिखा है हाफ की जगह मैं साइन थर्टी लिख सकता हूँ और साइन आर इज इकल टू साइन 30 दैट मीन्स आर इज इकल टू 30 डिग्री दैट इज़ वाई वी हैव रिटर्न एंगल आर इज इकल टू 30 डिग्री तो so, ये हमारा 30 डिग्री हो गया अब ये 90 डिग्री है ये 30 डिग्री है तो ये कितना बचा 180 या बोला जाए 90 30 थर्टी दैट मीन्स 60 डिग्री सो देर एंगल क्यू पी आर या एंगल पी इज डिग्री बिकॉज द सम ऑफ अदर टू एंगल्स क्या होता है 90 डिग्री हैं इस प्रूफ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल दिस इज एग्जांपल एट इफ साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी इज इक्ल टू हाफ एंड कॉस ऑफ एंगल ए प्लस बी दोनों ब्रैकेट में आ इक्वल टू हाफ एंड ए प्लस बी जो है उसकी वैल्यू है जीरो डिग्री से लेके लेस दन इक्वल टू नाइन्टी मीन्स ज़ीरो से बड़ी है और 90 या 90 से छोटी हो सकती है और इसमें एक और चीज़ दी है कि ए की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि ए माइनस बी कर रहे हैं राइट तो इसमें इसलिए बोला उसमें ए की वैल्यू ज़्यादा है दैट मीन्स ये एंगल जो भी एंगल होगा ए माइनस बी हमेशा पॉजिटिव होगा ठीक है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी तो बोल रहा है ए और बी की वैल्यू पता लगा दो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट वेरी सिंपल सो यू विल राइट दिस वे सिंस सिंस सिन साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ ये दिया हुआ है और आपको मालूम है साइन ऑफ़ एनी एंगल ये ए माइनस बी इज़ एन एंगल साइन ऑफ एनी एंगल की हाफ वैल्यू कब होती है इज़ ऑलवेज साइन थर्टी डिग्री पे होती है तो साइन थर्टी तो मैं लिख सकता हूँ हाफ की जगह साइन थर्टी दैट मीन्स साइन साइन यहाँ से कट गया तो एंगल ए माइनस बी सिंपल बोलूँ ए माइनस बी इज टू या ये जो एंगल हुआ ये माइनस बी कितना दूगा थर्टी डिग्री राइट ओके सो दिस इज वी हैव वट वी हैव इज फर्स्ट इक्वेशन, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एक्जैक्टली सेम वे में कॉस ए प्लस बी हमको दिया हुआ है तो वी विल राइट कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ़ और कॉस हाफ कब होती है इसकी वैल्यू साइन हाफ है 30 डिग्री पे तो कॉस हाफ कितना होगा 60 डिग्री पे याद है अभी हमने सीखा था ओके तो कॉस ए प्लस बी वी कैन राइट कॉस 60 डिग्री कॉस कॉस कट गया तो क्या बताया हमारे पास ए प्लस बी इजिकल टू सिक्सटी दिस इज अवर इक्वेशन टू नाउ यू हैव टू इक्वेशन ए माइनस बी इजिकल टू थर्टी डिग्री ए प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री दो हैं दो वेरिएबल हैं जैसे एक्स वाई होता है एक्स माइनस वाई टू दिस एक्स प्लस वाई टू दिस दो लीनियर इक्वेशन हो गई सॉल्व कर दो वंस बाय सॉल्विंग वन एंड टू वट वी गेट सॉल्व करना बहुत सिंपल है इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो गया टू ए इज ईक्ल टू नाइन्टी तो ए इज ईकल टू कितना हो गया फोटी फाइव तो ए इज ईक्ल टू फोटी फाइव डिग्री और ए फोर्टी फाइव है तो बी क्या हो गया यहाँ से निकाल सकते हो फोर्टी फाइव माइनस बी दैट मीन्स फिफ्टीन डिग्री तो ए और बी की वैल्यू आपकी निकल गई यहाँ देखो ए इज़ ग्रेटर दैन बी ये भी हो गया और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी इज लेस नाइन्टी डिग्री दैट मीन्स फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन कितना सिक्सटी डिग्री तो लेस देन 90 भी है तो सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो गया सेकंड फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही फुलफिल हो गया दिस वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और द सेकेंड लास्ट चैप्टर हाँ कुछ फॉर्मूले भी सीखेंगे तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स याद है याद है कि नहीं याद है नहीं याद है तो याद कर लेते हैं नाउ द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कॉल्ड टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सपोज देर इज अ ट्राइंगल ए बी सी सो इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी डू यू सी एनी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ आई आस्क यू दिस वे कि जो तो ट्रा दिया है इसमें कौन से दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हमने पढ़ा था कि वैन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री जैसे ये एंगल एक्स और ये वाई है इनका सम 90 है दैट मीन वी से बोथ दीज एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर और सप्लीमेंट्री हमने समझा था वैन द सम ऑफ टू एंगल्स हंड्रेड एट्टी डिग्री दोज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल तो यदि मैं अब अगेन मैं क्वेश्चन पूछूँ इस ट्राइंगल के अंदर कौन से वो दो एंगल हैं जिनका सम 90 डिग्री है तो यदि बी 90 है तो ए और सी क्या बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल दैट मीन्स सम ऑफ एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री वाई बिकॉज एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम क्या होता है हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री जिसमें से बी नाइन्टी है तो रिमेनिंग टू क्या होगा उनका सम नाइन्टी होगा और जब दो एंगल का सम नाइन्टी होता है उसको क्या बोलते हैं हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स ओके पहली चीज़ क्लियर अब यदि ये एंगल ए है तो मैं इस सी एंगल को क्या बोल सकता हूँ नाइन्टी माइनस ए ये बोल सकता हूँ क्योंकि ये ए है तो ये नाइन्टी माइनस कहा से इससे निकाल लिया मैंने इसमें कोई हर्ज नहीं है यदि मैं ऊपर वाले को यदि ये सी है तो मैं इसको क्या बोल सकता था नाइन्टी माइनस सी तो मीन्स इस, इस ट्राइंगल के अंदर ए या मैं C, तो एंगल सी को एंगल ए बोलू या एंगल सी बनू या मैं ऐसे बोल सकता ये यदि ए है तो ये नाइन्टी माइनस ए होगा ओके वेरी गुड क्यों हम कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं यदि ट्राइंगल ए बी सी में आप देखोगे हम साइन ए की वैल्यू पूछें आपसे तो क्या होगा हमको मालूम है बाय फॉर्मूला साइन ए का परपेंडिकुलर क्या हो गया तो बी सी अपॉन हाइपोटनिस ए सी इज साइन ए सेम वे में यू नो कॉस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटन्यूज बेस इज ए बी हाइपोटन टेंथ इज का प्रेंडिकलर 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 क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर इट्स क्या बी सी अपॉन बेस इज ए बी निकल गया यदि सेम वे में मैं आपको पूछूं साइन ऑफ एंगल सी तो साइन ऑफ एंगल सी इसका इसका परपेंडिकुलर क्या होगा ये होगा अपोजिट एंगल और बेस ये होगा तो ए बी अपॉन ए सी एंड सेम वे में आई कैन राइट कॉस सी इज़ बेस अपॉन हाईपोर्ट टें थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन पर 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 बेस दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज पर बेस तो या गया ए बी अपॉन सी बी अब क्योंकि हमने क्या बोला था ए प्लस बी क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल मैं ऐसे लिख सकता हूँ और यदि मैं एंगल का साइन हटा दूं या मैं ए को इधर ले जाऊं तो आई कैन राइट दिस वे और इफ एंगल का साइन हटा दूं आई कैन राइट सी इज ईगल टू नाइनस नाइन्टी मैने से यही हमने पढ़ाई था अभी यदि ये है तो इस सी को उठा के मैं ये जो साइंस सी या कॉस सी या टेन सी में ये लिख सकता हूँ नाइन्टी मैने से टू लेट्स पुट इट तो आई कैन राइट साइंस सी इज ईगल टू की जगह इसी की जगह नाइन्टी मैने से यहाँ से लिख दिया क्यों लिख दिया क्योंकि ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि उनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है तो हमने लिखा साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी एक्जैक्टली बाकी में भी हो जाएगा कॉस का भी 90 माइनस ए इजिकल टू हो जाएगा ये टेन नाइन्टी माइनस ए हो जाएगा क्लियर अब ध्यान से देखो तो हमारी पहली चीज़ें थी ये तीन इक्वेशन जब हम एंगल ए की बात कर रहे थे अब हम एंगल सी की बात किए और सी को कन्वर्ट करके ए फॉर्म में लिख लिया तो इन तीनों को भी ध्यान से देखो क्या इनमें कुछ सिमिलरिटी है क्या मिली हाँ मिल गई ये देखो ये साइन 90 माइनस ए तो ऐसे ही रहा बट ए बी अपॉन ए सी यहाँ कहीं दिख रहा A, A, yes, A, A, है ए बी अपॉन ए सी यस यहाँ दिख रहा है ए बी अपॉन ए सी कितने के बराबर है कॉस ए दैट मीन्स साइन 90 माइनस ए इसकी जगह लिखता हूँ मैं लिखता हूँ कॉस एक्जैक्टली सेम वे में कॉस नाइन्टी माइनस ए इज इक्ल टू बी सी ओपन ए सी बी सी ए सी है यहाँ इज़ साइन है तो कॉस नाइन्टी माइनस ए इज टू साइन है अब देखो टेन 90 मैंने ऐसे ए क्या लिखा है ए बी अपॉइन सी बी यहाँ क्या दिखा है देखो ए बी सी अपॉन ए बी ये मीन उल्टा है दैट मीन्स वन अपॉइंट टेन ए मैं लिख सकता हूँ और वन अपॉइंट टेन है क्या होता है कॉट ए तो आई कैन राइट टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए सेम तरीके से जैसे हमने ये लिखा है यदि मैं cosec नाइन्टी मैंने से लूँगा तो उसकी वैल्यू आती है सेक ए सेक नाइन्टी मैंने ऐसे लूँगा कॉसैक ए और कॉट नाइन्टी मैंने से लूँगा टेन ए और ये जो वैल्यू ऑफ ए है आप कि आप देखोगे हमने क्या देखा ये एक्यूट अक, एंगल होता है डैट मीन्स जीरो से लेकर नाइन्टी डिग्री के बीच में इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है सो विल राइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए लाइन बिटवीन जीरो टू नाइन्टी ये जो हमने नई चीज़ें निकली ये एक नए फॉर्मूला आ गया राइट कि साइन नाइन्टी माइनस ए हमेशा क्या होता है कॉस ए साइन नाइन्टी माइनस ए इज कॉस ए कॉस नाइन्टी माइनस ए इज साइन है टेन नाइन्टी माइनस ऐस कॉट ए ये आपको याद रखने होंगे कॉसैक 90 महीने सेव का सेक सेक का कॉस होगा कॉट का टेन होगा वो 90 महीने सेव यहाँ नाइन्टी महीने से जैसे लिखोगे तो याद हो गया साइन का कॉस कॉस का साइन टेन का कॉट यहाँ कॉसैक का सेक्स सेक का कॉसक और कॉट का टेन तो दीज आर द न्यू फॉर्मूला विच यू हैव आइडेंटिफाइड फॉर अ राइट एंगल ट्रे बिकॉज द अदर टू एंगल्स आर ऑलवेज कंप्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम उनका हमेशा नाइन्टी होता है दैट मीन्स दीज फार्मूलाज आर ट्रू फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल तो टिग्नोमेट्री में कुछ अब नए फार्मूला भी आपने निकाल लिए ठीक है अब आपको इसको याद रखना है यदि ये याद है तो लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स जिससे आपके दिमाग में घुस जाए अच्छे से नाउ द एग्जाम्पल नंबर नाइन इज इवेल्युएट मीन्स फाइंड आउट टेन सिक्सटी फाइव डिग्री डिवाइड बाई कॉट ट्वेंटी फाइव डिग्री अब आप बोलेगे यार मेरे को तो इसका वैल्यू याद नहीं मैं कैसे करूँगा बिना वैल्यू के मालूम हुए तो यू विल राइट दिस वे अब फिर आप कहोगे वगैरह ये तो बहुत सिंपल था वी नो कॉट ए इज इक्वल टू क्यूल क्या होता है टेन नाइन्टी माइनस ए या टेन नाइन्टी माइनस ए इज टू काट ए ऐसे लिख सकते हैं एक ही चीज़ है ओके okay. यदि आपको ये मालूम है तो यहाँ क्या दिया हुआ है कॉट ट्वेंटी फाइव तो कॉट ट्वेंटी फाइव इज टू क्या लिख हैं नाइन्टी माइनस ट्वेंटी फाइव ऐसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं ओके अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा टेन सिक्सटी फाइव दैट मीन्स कॉट ट्वेंटी फाइव की वैल्यू जो होती है वो इज एग्जैक्टली सेम एज टेन सिक्सटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टेन सिक्सटी फाइव डिग्री तो यहाँ ये टेन सिक्सटी फाइव है ऊपर टेन सिक्सटी फाइव है तो अभी क्या आंसर आ गया इट्स वेरी सिंपल सो वी कैन से टेन सिक्सटी फाइव और कॉट सिक्सटी फाइव को हम लिख सकते हैं टेन सिक्सटी फाइव टेन सिक्सटी फाइव डिग्री और यदि ये है तो ये दोनों कट गए तो आंसर क्या हो गया वन तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन को देख के ना घबराना नहीं है आपको याद कर रखना है कि क्या वैल्यूज़ होती हैं और ऐसे भी आपको मैंने बताया था टेन की जो वैल्यू होती हैं कॉर्ट के केस में क्या होती हैं इन्वर्स होती हैं रिवर्स होती हैं बेसिकली ऑपोजिट होती हैं टेन की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी जाती है कॉर्ट की वैल्यू इन्फिनिटी से ज़ीरो जाती है क्लियर वेरी गुड लेट्स टेक वन मोर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल टेन इफ़ साइन थ्री इज इक्वल टू कॉस ए माइनस ट्वेंटी सिक्स डिग्री वेर थ्री इज एन एक्ट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए मीन्स हमको इस ए की वैल्यू पता लगानी है और ए की वैल्यू ध्यान से देखो यदि ए में से कुछ चीज़ माइनस हो रही है किसी में से भी कोई चीज़ माइनस होती है तो डिग्री सेम होती है डिफरेंट यूनिट सेम होती है तो सेम यूनिट ही सप्रैक्ट होंगे दैट मीन्स ट्वेंटी सिक्स यदि डिग्री में है तो ए की वैल्यू क्या आएगी डिग्री में ही आएगी ओके सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस वे गिवन दैट वी आर गिवन दैट साइन थ्री इज इक्वल टू कॉस ए Minus 26 ट्वेंटी सिक्स डिग्री सो दिस इर्स्ट इक्वेसन नाउ अभी हमने क्या सीखा था Cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा तो यदि मैं लेफ्ट में देखूँ साइन 3a तो ये मेरा एंगल क्या है ये 3a को मैं थीटा बोल सकता हूँ ए की कुछ वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बड थ्री मीन्स इट इज सर्टेन एंगल तो मैं क्या लिख सकता हूँ साइन की जगह साइन थीटा की जगह मैं कॉस 90 माइनस थीटा और यहाँ थीटा क्या है थ्री है तो लेफ्ट लेफ्टाइड थ्री ए जो है आई कैन राइट कॉस नाइन्टी माइनस थ्री है मीन्स थ्री ए इस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसे लिख सकता हूँ नाउ दिस इज थ्री ए को मैंने कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और ऊपर वाली इक्वेशन में ये है ही तो इन इस ऊपर वाली इक्वेशन में मैं ये डाल दूँ तो लेट्स पुट इट सो वी कैन राइट कॉस नाइन्टी माइनस थ्री है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये हो गई राइट हैंड साइड मेरी ये दी हुई है अब इससे क्या हुआ देखो ये कॉस कॉस मेरा क्या हुआ कट गया तो मेरा बच्चा क्या 90 माइनस थ्री ए इज इक्वल टू ए माइनस ट्वेंटी सिक्स राइट सिंस 90 माइनस थ्री ए एंड ए माइनस ट्वेंटी बोथ आर एक्यूट एंगल्स ये दोनों के क्या है एक्यूट एंगल्स हैं मीन्स लेस देन 90 डिग्री है राइट तो इससे हमको क्या मालूम चला है? हम बोल सकते हैं ये इसके बराबर होगा और यदि ये, ये इसके बराबर होगा तो लेट सॉल इट इससे आपको ए की वैल्यू क्या मालूम चलेगी ट्वेंटी नाइन और हमको डिग्री इसे लगानी पड़ेगी क्योंकि ये डिग्री में है सो ए की वैल्यू निकलाई विच एन एन एक्यूट एंगल लेस देन 29 मींस 90 लेस देन 90 है दैट मींस इट इज़ एन एक्यूट एंगल तो ए की वैल्यू हमने सॉल्व कर दी है कि ना कितना सिंपल तो आपको फॉर्मूला क्या रखना था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रिवाइज़ किया कॉस नाइन्टी माइनस सीटा साइन थीटा यदि साइन नाइन्टी माइनस थीटा होता कॉस थीटा यदि टेन होगा तो वो कॉट हो जाएगा क्लियर वेरी गुड लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल लेट्स सी कि आप समझे कि नहीं समझे एक्सप्रेस कॉट एट्टी फाइव डिग्री प्लस कॉट सेवेंटी फाइव डिग्री इन टर्म ऑफ टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन जीरो एंड सो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि एट्टी फाइव डिग्री और सेवनटी फाइव डिग्री को हमको दूसरी डिग्री से इसको प्रजेंट करना है जो कि किस एंगल्स किस बिटवीन होंगे जीरो और फोर्टी फाइव के बिटवीन में होने चाहिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे वी विल राइट कि गिवन कॉट एट्टी फाइव डिग्री प्लस सेवेंटी फाइव डिग्री कैन बी रिटर्न एज इज इक्वल टू कॉट 85 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस फाइव तो 85 ही होगा सेम में 75 को लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 90 माइनस फिफ्टी तो राइट हम कॉस 90 माइनस फिफ्टीन अब देखो हमको फॉर्मूला याद है कॉट 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा थीटा क्या है यहाँ पे 5 डिग्री एंगल 5 डिग्री है तो कॉट नाइन्टी माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा दैट मीन्स टेन फाइव डिग्री एग्जैक्टली कॉस नाइन्टी माइनस फिफ्टीन नाइन्टी माइनस थीटा दैट मीन्स साइन थीटा साइन फिफ्टीन लिख सकते हैं इसकी जगह तो प्लस साइन फिफ्टीन अब देखो ये फाइव डिग्री है और ये फिफ्टीन डिग्री है और दोनों टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंगल बिटवीन जीरो एंड फिफ्टीन डिग्री के बीच मतलब फोर्टी फाइव डिग्री के बीच में है. तो हैंस वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन राइट कितना सिंपल था नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कॉल्ड टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या इनको बोलते हैं टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज

बट इट इज़ ट्रू फॉर ऑल्यूबल्स हैं ऑल वैल्यूज ऑफ द वैल्यूबल समझने के लिए या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं सिमिलरली टिग्नोमेट्री के अंदर एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इस कॉल अ टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल इन्वॉल्व अब टेग्नोमेट्री में एंगल ही होते हैं एंगल एंगल की बात कर रहे होते हैं तो सब एंगल के लिए ज़ीरो से लिखे नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री तक ये या, या जीरो से लिखे थ्री सिक्सटी डिग्री इससे ज़्यादा तो एंगल होगा नहीं तो उन सब वैल्यूज़ के लिए टिग्नोमेट्रिक की वो रेशियोज या वो फॉर्मूलाज या वो इक्वेशंस यदि वो ट्रू हैं तो उनको बोलते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सो इन ट्राइंगल ए बी सी वेयर बी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल तो मेक इट तो इज स्टैंडर्ड तो ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंगल बी इज़ 90 डिग्री है एंगल ए की यदि हम बात करें तो उसका परपेंडिकुलर उसके ऑपोजिट होगा और उसके जो एड्स है साइड होगी उसका बेस ये बेसिक चीज़ हमें याद ही है यदि ये याद है तो दूसरा हमको ये भी मालूम है हाँ, पाइथोग्रस्त नाम कि हाइपोटन का स्क्वायर जो होता है सम ऑफ अपोजिट साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है या सम ऑफ अपोजिट साइड का स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू हाइप्रोटिन के स्क्वायर के बराबर होता है दिस अवर फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द पाइथोग्रस्त एंड यदि मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ किससे ए सी से ए सी स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को लेट्स डिवाइड ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर सिमिलरली बी सी स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया ए सी स्क्वायर से और ए सी स्क्वायर को भी ए सी स्क्वायर से तो लिख सकते हैं ऐसे इक्वेशन वन को कोई इशू नहीं वेरी गुड अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो गया ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना सेम वे में बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर कट गया वन राइट right? अब ए बी अपॉन ए सी यदि आप इस ट्राइंगल में देखेंगे ए बी सी जो ट्राइंगल है ए बी ए बी क्या है देखो ए बी है डिवाइड बाई ए सी ये क्या है बेस अपॉन हाइपोटन्यूस और बेस अपॉन हाइपोटन्यूस क्या होता है कॉज थीटा राइट कॉस ऑफ एंगल ए सिमिलरली बीसी बी सी क्या है साइन ऑफ एंगल या थीटा तो आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर इक्वल टू वन और हमने क्या पढ़ा था यदि कॉस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से वी कैन राइट दिस वे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन तो दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए ए की कोई भी वैल्यू जीरो से घुमाया पूरा थ्री सिक्सटी डिग्री घूम गए कोई भी वैल्यू रखूंगा एंड हमने प्रूव भी किया था कुछ एग्जाम्पल लेके है ना तो आप देखेंगे इर रेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज मान लो यहाँ कॉस फाइव डिग्री रखते हैं तो कॉस स्क्वायर फाइव डिग्री प्लस साइन स्क्वायर फाइव डिग्री इजकल टू वन या मैं लिखूँ कॉस स्क्वायर नाइन्टी प्लस साइन स्क्वायर नाइन्टी इज टू वन या कॉस स्क्वायर वन ट्वेंटी फाइव प्लस साइन स्क्वायर वन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वन तो आप निकालोगे तो यू विल फाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए ए इज अ वेरिएबल एंगल इज अ वेरिएबल एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू बिकॉज इट इज़ ट्रू तो इट इज़ अ टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या एक फार्मूला ये एक बहुत फेमस फार्मूला है जो आपको याद रखना है टेग्नोमेट्रिक कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन ठीक है And it is true for all values of a such that a is greater than equal to जीरो लेस less than equal to 90. अब ये हम कोई भी bhi value 0 se 360 bhi भी हो तो भी ये hai है But still स्टिल बिकॉज हम अभी राइट right एंगल triangle की बात कर रहे हैं उसमें मैगजिम एंगल क्या होता है नाइन्टी सिक्स के बराबर या जीरो हो सकता है ये हमने देखा तो जीरो से नाइन्टी डिग्री की हम बात कर रहे हैं अभी ठीक तो ये आपको याद रखना है वेर ए इज अ वेरीबल एंड उसकी वैल्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर टू जीरो और लेस देन इक्वल टू नाइनटी मैंने दो तीन बार रिपीट कर दिया क्लियर वेरी गुड लेट्स मूव फर्दर अब सेम वे में जो हमारा ये इक्वेशन थी यदि मैं ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो ए बी स्क्वायर से लिख सकते हैं अब नाव कट हो गया देखो ये वन हो गया तो इसको लिख सकते हैं ऐसे अब देखो बी सी ओपन ए बी बी सी ओपन ए बी क्या था साइन है और ए सी अपोन ए बी ए सी ए सी ए है ए बी है मीन्स हाईपोटन्यूज अपन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑपन हाइपोन्यूज मींस ये उल्टा हो गया वन अपॉन साइन तीटा तो देखो इसको कैसे रखते हैं वन प्लस टेन है बी सी अपन ए बी बी सी मीन्स परपेंडिकुलर ओपॉन ए बी बेस दैट इज टेन A ये हो गया sec sec क्यों बोला ए सी अपन ए बी ए सी ए सी क्या है हाईपोटन्यूज अपॉन ए बी इज बेस बेस अपॉन हाईपोर्टनी स्क्वास थीटा होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है सेक ए तो लिख सकते हैं तो फार्मूला इसको और रिफाइन करेंगे तो इट विल बिकम वट वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी विट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए ग्रेटर दैन जीरो नाइनटी डिग्री तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए या नॉर्मली हम थीटा फॉर्म में याद रखते हैं इसको और सेम वे में यदि आप निकालोगे तो यू विल ऑल्सो फाइन कि वन प्लस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक ए तो दीज आर द फ्यू इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज विच यू शुड रिमेंबर एंड इफ़ यू रिमेंबर लेट्स टेक्स अनदर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ट्वेल्व एक्सप्रेक्ट द रेशो कॉस ए टेन एक है इन टर्म्स ऑफ साइन है क्या आप लिख सकते हो वेरी ईजी कैसे लिखोगे यू you नो know सिंस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्ल टू वन ठीक है ओके देअर फोर वी कैन से कॉस स्क्वायर ए इज इक्ल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर को राइट right साइड में लेके अब कॉस को स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लेटो तो वी कैन से कॉस ए इज इक्ल टू अंडर रूट प्लस माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं तो वट यू हैव डन कॉस ए को आपने साइन ए की टर्म में लिख दिया तो पहला तो हो गया अब टेन ए की बात करें टेन ए का आपको फॉर्मूला याद है पहले से आ गया अब माइनस साइन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने क्या देखा था कॉस की वैल्यू जो हमने निकाली थी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर कभी भी इसकी वैल्यू कॉस ए की माइनस नहीं आई थी इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव ठीक तो कॉस ए इज इक्वल टू विल राइट कॉस ए इज इक्वल टू ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज से वे में टेन ए टेन ए को यदि निकालेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉस ए की वैल्यू आपने निकाल ही ली है साइन ए ऊपर दिया हमें साइन में ही कन्वर्ट करना है तो ये डाल दो इसमें सो वी कैन राइट साइन ए अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर ए अब क्योंकि हम नीचे कभी भी स्क्वायर रूट नहीं लगते हैं तो ऊपर नीचे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो तो आप कर सकते हो तो ठीक है अभी नहीं है फॉर द टाइमिंग इट इज़ ओके नाउ द सेक ए क्या होता है वन अपॉन कॉ ए क्रॉस ए हम निकाल ही चुके हैं तो इसको हम क्या देख सकते हैं वन अपॉइंट वन माइनस साइन स्क्वायर ए सो दिस वे ऑल द टर्म्स को हमने साइन ए में कन्वर्ट कर दिया वेरी गुड लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल दिस एग्ज़ाम्पल नंबर थर्टीन प्रूव दैट सैक ए मल्टीप्लाई बाय वन माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय सैके प्लस एन ए इज इकल टू वन बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है घबराने की जरूरत नहीं है इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है साइन एन कॉस्ट में आप अपने आप सॉल्व कर लोगे कैसे करेंगे दैट वी विल राइट दिस वे राइट हैंड साइड वन है तो लेफ्ट हैंड साइड को हमको प्रूव करना है कि वो भी वन है ठीक है तो वी विल राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इकल टू सै के वन माइनस साइन ए बैकेट में सै के प्लस टेन ए कोई इश्यू नहीं अब सबको क्या करो साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट कर दो तो साइको को क्या लिखेंगे वन अपॉन कॉस है वन माइनस साइन ए तो वैसा ही है उसको वैसे ही लिखने दो इसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो तो इट विल बिकम वन अपॉन कॉस ए साइन टेन थीटा क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो यू कैन सॉल्व इट वन माइनस साइन ए ये ऊपर रह जाएगा वन तो वन ही है वन माइनस है यहाँ क्या हो जाएगा वन प्लस साइन नीचे क्या हो जाएगा देखो सब में कॉस स्क्वायर है राइट right? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनका एलसीएम कॉस से और ये कॉस से इधर से था मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर हो गया अब वन माइनस साइन ए और वन प्लस साइन है मीन्स वन माइनस ए या ए माइनस बी और ए प्लस बी दैट मीन्स क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला याद है तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए इज वन साइन माइनस साइन स्क्वायर अपने लिख सकते हैं अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए आपको याद है फॉर्मूला वन माइनस साइन स्क्वायर इजिकल टू कॉस स्क्वायर ए कहाँ से आया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर टू वन वहाँ से लिख सकते हैं अब कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या सेम है काट तो क्या आंसर क्या होगा वन सो हैंस वी हैव प्रूव दिस कॉम्प्लेक्स जो भी हमको इक्वेशन दी हुई थी प्रूव कर दिया और किया क्या हमने हमने जो भी सेक या टेन दिया हुआ है उसको साइन ऑन कॉस में कन्वर्ट किया और सॉल्व करते हुए चले गए अब हमने कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज़ किया और कुछ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन राइट right? उसको हमने यूज़ किया एंड वी सॉल्व इट तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है सो राइट हैंड या अब लास्ट में हम लिख देते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ दिस इज एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन वी हैव टू प्रूव कि ये इक्वेशन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बड़ी कॉम्प्लेक्स तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो या किसी एक को सॉल्व कर लो लेफ्ट को कर लो अपना ऑटोमेटिकली राइट right के बराबर आ जाएगा सो वी विल राइट दिस वे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉस ए अपन कॉट ए प्लस कॉस ए मैंने आपको क्या बताया था कॉस कॉस में कुछ कर नहीं सकते कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो लेट्स डू इट कॉस ए अपन साइन ए माइनस कॉस ए लिख सकते हैं ऐसी बॉटम में क्या लिख सकते हैं कॉ से अपॉन साइन ए प्लस कॉस एपर नीचे को थोड़ा सॉल्व करो तो यहाँ करोगे सॉल्व तो एल सी एम साइन आएगा और ये कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा एग्जैक्टली exactly नीचे वैसे ही आएगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस या हमने कॉस को बाहर निकाल लिया वन ओपॉइंट साइन ए माइनस वन और वन अपॉइंट साइन ए प्लस वन और इससे क्या हुआ देखो कॉसे कॉसे मेरा कट गया तो हमारे पास क्या बचा वन ओपॉइंट साइन ए माइनस वन वन पॉइंट साइन ए प्लस वन और वन ओ पॉइंट साइन ए की वैल्यू मतलब क्या होता है कौसे के और वन ओपॉइंट साइन ए क्या होता है कॉसे के तो वी कैन राइट कॉसे के माइनस वन कॉसे के प्लस वन हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वी हैव टू प्रूव इट कितना सिंपल था देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा था और रूल एक ही है कि जो कॉट टेन सेक कॉसैक दिया हो उसको कॉस साइन में कन्वर्ट करो और सॉल्व करते चले जाओ चुपचाप एंड यू विल गेट द आंसर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो तो राइट right मिल जाएगी और इफ़ यू वांट टू सॉल्व द राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे नॉर्मली कॉसैक को आप यदि ऐसे लिख लेते तो आपको यहाँ आने में थोड़ा सा टाइम लगता है उल्टा तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने में सोचना पड़ता इट्स ऑलवेज़ बेटर कि कॉम्प्लेक्स साइट को सिंपलर साइड से सॉल्व करके शो कर दो ठीक है तो

इन टर्म ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा बाई डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डायनिनेटर बाय कॉस थीटा इस लेफ्ट हैंड साइड को क्योंकि हमको इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है तो इसमें तो सेक दिया ही नहीं हुआ तो इसको हमको सेक थीटा और टेन थीटा में चाहिए होगा तो हमने क्या किया इस पूरे को कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो लेफ्ट डिवाइडेड तो लेफ्ट एंड साइड क्या होती हुई ये कॉस् थीटा से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा ये होगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा तो माइनस वन और वन अपॉन कॉस थीटा क्या होगा sec थीटा एग्जैक्टली exactly नीचे क्या होगा टेन थीटा प्लस वन माइनस एक थीटा राइट अब इसको थोड़ा सा ऑल सॉल्व कर लो ध्यान से देखो यहाँ क्या दिया हुआ है इसको हमको सॉल्व करने का कर थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा इसको लेफ्ट में लिया है टेन थीटा प्लस थीटा माइनस वन टन थीटा माइनस थीटा प्लस वन लिख सकते हैं ऐसे ओके okay. यदि ये लिख सकते हैं तो आप ऊपर नीचे क्या करो इसको एक साइड रखो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो किससे टेन थीटा माइनस एक् थीटा और टेन थीटा माइनस थीटा ये जो लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई कर दिया बस प्लस वन को छोड़ दिया ठीक अब ऊपर वाले और नीचे वाले को सॉल्व करने की कोशिश करो आप क्या दिमाग में रखना है आपको ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे राइट तो देखो टेन थीटा प्लस एक्स थीटा इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ तो हम क्या लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा और फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन के साथ एक्जैक्टली सेम वे में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन तो लेट्स डू इट तो ये क्या टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस एक्स थीटा लिख सकते हैं नीचे क्या लिख सकते हैं दिस माइनस दिस का हमने नीचे को हमने सॉल्व ही नहीं किया ऐसे ही रहने दिया टाइमिंग के लिए ठीक है ओके टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ देखो यहाँ सेक्स स्क्वायर थीटाज इक्ल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा यदि टेन स्क्वायर को यहाँ लिया हूँ तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन या उल्टा बोलूँ टेन स्क्वायर थीटा को यदि इसको यहाँ माइनस तो ये माइनस वन से रिप्लेस कर सकता हूँ राइट इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो तो इस इट विल बिकम माइनस वन माइनस टेन थीटा प्लस सेक्ट थीटा हमने सबको खोल दिया और नीचे क्या है देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन अब यहाँ पे यदि मैं जो है माइनस बाहर लेखाऊँ तो देखो ये क्या हो जाएगा ऊपर टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन बैकेट में माइनस तो ये और ये दोनों एक ही चीज़ है कट जाएगा ऊपर बस माइनस वन रह जाएगा सो आई कैन राइट ये और ये पूरा कट गया तो इट विल बी माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ये हमको क्या है वन अपॉन सेक थीटा तो हम इसको रिवर्स कर दें दोनों को ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर क्या होगा वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो दिस इज इज इक्वल टू वट इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस वी हैव प्रूव्ड इट तो आपको ना तिग्नोमेट्री के अंदर एक बेसिक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपको धीरे धीरे थोड़े लॉजिक या समझ में आने लगेंगे कि ये हमको क्यों बोल रहे हैं कि ये फार्मूला यूज़ करना है जब जो फार्मूला यूज़ करना है और लेफ्ट हैंड साइड में सैक और टेंथ दिया ही नहीं हुआ था तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा और यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना होता है सैक और टें थीटा यदि इस साइड में यदि कुछ होते तो उसको साइन और कॉज में कन्वर्ट करना है और जो आइडेंटिटीज़ हैं उन फार्मूला को यूज़ करना है क्लियर सो लेट्स रिवाइज वट वी हैव लर्न टूडे क्या सीखा हम इस चैप्टर में बहुत बेसिक चीज़ सीखे हमने सीखा कि ए बी सी यदि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यदि ये एंगल ए ए की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है ये थीटा है तो उसके ऑलवेज जिस भी एंगल की बात करते हैं उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है उसके एज साइड को बेस बोलते हैं और जो सबसे बड़ा एंगल होता है नाइन्टी डिग्री उसके जो अपोजिट साइड होती है उसको हाईपोटन्यूज बोलते हैं पहली चीज़ तो ये सीखी और हमने पाइथोग्राथ हम से हमसे ये सीखा कि हाइप्रोटिनस का स्क्वायर इज इक्वल टू तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये होता है हमने ये सीखा कि साइन ऑफ ए बोलूँ या साइन थीटा बोलूँ क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस या सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइप्रोटिनस ये फार्मूला होता है कॉस थीटा होता है बेस अपॉन ऑन हाइप्रोटन्यूस टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस हमने एक और चीज़ सीखी टेंथ थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पहली चीज़ हमने ये सीखी इस चैप्टर में दूसरा हमने ये सीखा कि हमें याद रखना है कुछ यूनिक एंगल्स के लिए साइन थीटा की वैल्यूज़ यदि साइंस थीटा की याद हैं तो हमें सबकी बाकी जितने भी टिक्नोमेट्रिक रेशों सबकी याद रहेगी तो साइं थीटा क्या होता है इज इज इंक्रीजिंग ट्रेंड जीरो से वन के बीच में होता है राइट और ये शाइनिंग शाइनिंग से याद रखो तो बढ़ती हुई चीजें मीन्स राइजिंग ट्रेंड में होता है और बीच की वैल्यू जो इस लीनियन नहीं होता है तो फोर्टी फाइव की डिग्री ऑलवेज़ वन बाई टू होती है तो आपको याद रखना है साइन जीरो इज जीरो साइन थर्टी हाफ वन बाई रूट टू थ्री बाई टू एंड वन याद करने के लिए हमने क्या बोला था नीचे टू 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 होता है बीच वालों में बस फोर्टी फाइव में रूट टू होता है ठीक है ओके वन अपॉन साइन थीटा हमने सीखा था इसको कॉसेक थीटा और इसको हम लिख सकते हैं इनवर्स साइन थीटा का इनवर्स ठीक है सेम वे में वन अपॉन कॉस थीटा को बोलते हैं सेक्ट थीटा या उसके इनवर्स को लिखे ओवरऑल कॉस थीटा का इनवर्स पर कॉस माइनस थीटा नहीं बोलेंगे हम दैट इज कॉल्ड कॉस इनवर्स थीटा दैट इज अ डिफरेंट थिंग ये हमने सीखा था एग्जैक्टली मैं वन पॉइंट टेन थीटा इज इक्वल टू क्वाट थीटा मीन्स क्वाट थीटा का इनवर्स होता है वन पॉइंट टेन थीटा ये मतलब सीखा था हमने वी आल्सो लर्न की साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है दो साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना या साइन थीटा का होल स्क्वायर यदि होल स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा हमने कुछ और फॉर्म भी सीखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है सेम वे में कॉस 90 माइनस सीटा साइन थीटा होता है और टेन नाइन्टी माइनस थीटा कॉट थीटा होता है एग्जेक्टली exactly में कॉस से हुआ तो असैक थीटा हो जाएगा सेक है तो कॉसैक हो जाएगा और कॉट है तो टेन हो जाएगा ये फार्मूला हमको याद रखना है इस चैप्टर में एंड यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू नाइन्टी डिग्री में होती है ठीक है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ राइट एंगल एंगल और ये थीटा है प्लस हमने कुछ टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखी जो हमको याद रखनी है पहली आइडेंटिटी क्या थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन अब इसको थीटा की जगह ए बोलो ए बोलो बी बोलो बी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है बट अब थीटा के फॉर्म में याद रखोगे तो अगली क्लासेस में आपको याद रखने में ईजी रहेगा थीटा बोलना भी थोड़ा आसान है था। cos of A थोड़ा रहता है कॉस ऑफ ए बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ठीक है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन एक्जैक्टली मैं वन प्लस टाइम स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा एंड वेयर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू नाइनटी ये चीज़ आपको बेसिक टर्म जरूर ध्यान रखनी है ओके okay, तो ये हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखी थी तो इस पूरे चैप्टर के अंदर इन टोटलिटी हमने ये सीखा प्लस हमने एक और चीज़ एक साइन यूज़ किया था इन्फिनिटी मींस नंबर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पे इन्फिनिटी आता है उसका लेटा हुआ एट दैट इज़ कॉल्ड इन्फिनी से रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस हमने कहा था आपको रिक्वेस्ट किया था कि रूट टू की वैल्यू इज़ ऑलवेज 1.414 और रूट थ्री इजल टू वन पॉइंट सेवन थ्री टू में ये चलती जाती है इज़ अर रैशनल नंबर तो ये आपको रूट टू और रूट थ्री की वैल्यू इज याद होनी चाहिए सो so दैट आप चीज़ों को बहुत फास्ट सॉल्व कर पाओ क्लियर वेरी गुड एंड सेम वे में वन अपॉन रूट टू और वन अपॉन रूट थ्री की वैल्यू भी आपको याद रहनी चाहिए तो इसका हाफ होती है देखो ये exactly. एक्जैक्टली पॉइंट सेवन जीरो सेवन वन अपन रूट टू रूट पॉइंट वन अप रूट थ्री की वैल्यू होती है जीरो पॉइंट फाइव सेवन सेवन यदि आपको ये याद है ना और कोई बच्चा यदि इक्वेशन सॉल्व कर रहा है तो यू कैन सेव योर टाइम हाँ दूसरा बच्चा इसको निकालने में काफ़ी टाइम लगा देगा आपको ये बस छोटी सी चीज़ें तो याद रखनी है बहुत बार आपको रूट टू रूट थ्री की वैल्यू एग्ज़ाम में दी जाती हैं पर वन अप रूट टू आपको याद है और वन अप रूट थ्री आपको याद है तो यू कैन ईजीली सॉल्व द क्वेश्चन वेरी फास्ट हाँ यू कैन सेव सम टाइम और जो क्रिटिकल क्वेश्चन में उसमें आप अपना टाइम दे सकते हैं ओके थैंक यू सो इफ यू हैव एनी क्वेरी फीडबैक, प्लीज सजेस्ट एंड प्लीज डू राइट टू अस एट मिलाव इंटीग्रेशन एट जी मेल डॉट कॉम एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट सो दैट वी कैन सपोर्ट यू इन अ बेटर वे थैंक यू वेरी मच नमस्ते